بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। आप सब लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आप सब को खैरियत से रखे। आज हमारे आखिरी क्लास है। यस सर। इसके बाद छुट्टी? जी सर, वो एक ब्रिज है सर, वो बूर करना है जी। इंशाल्लाह हो गए हैं तो ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। आज हमारे लेसन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे तो चलें एंड पे फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम रिवीजन किस तरह से करें। आइए शुरू करते हैं। तो आज हमने दो असबाक पढ़ने हैं, क्यूसी 5 के आखिरी दो असबाक, सफा नंबर 20, इशारा सी और डी, लेसन 20 सी और 20 डी। 20 सी से हम शुरू कर रहे हैं। माइक ऑफ कर लें। 20 सी में हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 139 और 140 पढ़नी है। हमने कोर्स 1 मुकम्मल करने के बाद पहला पारा शुरू किया था। पहले क्वार्टर में हमने 5 सफात पढ़े जिनमें हिदायत और आदम अलैहि सलाम का तज़किरा था। और कोर्स 3 में हमने दूसरे 5 सफात पढ़े जहां बनी इसराइल का जिक्र था। माइक ऑन हो रहा है? गुलाम मुर्तजा साहब प्लीज थोड़ा सा ख्याल कर लें माइक का। अच्छा जी, तो हमने पॉइंटर्स याद किए थे हाथों की उंगलियों पर। कोर्स 2 में दायां हाथ इस्तेमाल किया, कोर्स 3 में बायां, फिर कोर्स 5 में हम फिर से दायें हाथ पर आ गए थे, कोर्स 4 में, और अब हम कोर्स 5 पे हैं जहां हम बायां हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 20वां सफ़ा है, दो इशारात हम पढ़ चुके हैं, आखिरी दो इशारे हम पढ़ने हैं। 20वें सफ़े के इशारात दोहराइए। हो जाओ यहूद और नसारा, अगर वो ईमान लाएं तुम जैसा तो अल्लाह के बारे में झगड़ा, बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। हो जाओ यहूद और नसारा, अगर वो ईमान लाएं तुम जैसा तो अल्लाह के बारे में झगड़ा, बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। हो जाओ यहूद और नसारा, अगर वो ईमान लाएं तुम जैसा तो अल्लाह के बारे में झगड़ा, बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। मुख्तसर इशारे, यहूद और नसारा, ईमान, झगड़ा, बड़ा जालिम। यहूद और नसारा, ईमान, झगड़ा, बड़ा जालिम। यहूद और नसारा, ईमान, झगड़ा, बड़ा जालिम। अल्लाह के बारे में झगड़ा। गुज़िश्ता आयतों में अल्लाह ने अहले किताब से खिताब करते हुए उन्हें हक की तरफ लौट कर आने की दावत दी थी। यहाँ उसी खिताब की अगली कड़ी बयान की जा रही है। पिछली आयतों में अल्लाह ने फरमाया था कि अगर तुम्हें कोई कहे कि यहूदी या ईसाई हो जाओ तो तुम उनसे कहो कि हम तो मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करने वाले हैं और हम उस पर ईमान लाएंगे जो हम पर नाजिल हुआ और जो हमसे पहले इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब पर नाजिल हुआ। और फिर एक मेयार बता दिया कि बाकी लोग भी अगर तुम जैसा ईमान, यानी सहाबा किराम जैसा ईमान लाएंगे तो वो हिदायत पर होंगे। तो ये एक पैरामीटर सेट कर दिया गया। अब उसी बात को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ा रहे हैं। दो असबाक हैं। दीन पर अमल करना बहुत ही अहम मामला है और ये बराह रास्त अल्लाह से मुताल्लिक मामला है। दीन के अहकाम अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं, उन अहकामात को पूरा करना ये अल्लाह की तरफ से रिक्वायर्ड है, इसको पूरा करना बहुत ही अहम है। और यहूदियत और नसरानियत बाद के लोगों की ईजाद है। अंबिया किराम तो मुस्लिम ही थे, अंबिया मुस्लिम ही थे,
तमाम के तमाम अंबिया मुस्लिम यानी फर्मा बरदार थे, अल्लाह का हुक्म मानने वाले थे। दो नए अल्फाज हैं और आई थिंक नए इस हिसाब से हैं कि इससे पहले आए नहीं है, अदरवाइज कोई भी नया नहीं है। तो कोई भी नया नहीं है अगर, तो 139 पूरी है और 140 का कुछ हिस्सा है। दो लोग हाथ खड़ा करें और तर्जुमा करें ज़रा, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। जी क्विकली मेल्स में जाएं, लेडीज बोलती रहती हैं, कोई मेल आ जाएं। आज मेल्स का दिन है। एक तो हो गए नूर मोहम्मद साहब हैं, दूसरे आ गया नाम किसी का, एक सेकंड, आदिल साहब हैं। नूर मोहम्मद साहब पहली आयत का ये तर्जुमा। जी जी, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل كه ديجيه أتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو حالانکہ وہ ربنا، ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، ولنا، اور ہمارے لیے अमालुना हमारे अमाल, वलकुम और तुम्हारे लिए अमालुकुम तुम्हारे अमाल, वनहनो और हम लहू उसी के लिए मुखलिसून खालिस हैं। मुखलिस हैं, जज़ाकुमुल्लाह। जी आदिल साहब बाकी आप कर लें, आदिल हनीफ भाई। अम तकुलूना, क्या तुम सब कहते हो इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब व लसबाती, के इब्राहीम और इसहाक और याकूब और औलादे याकूब कानू थे हुदन अव नसारा, यहूदी या नसरानी। कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह, कह दीजिए क्या तुम ज्यादा जानते हो अमिल्लाह अल्लाह से, या अल्लाह। तो ये तर्जुमा आप सब ने सुना, आई होप सबको इसी तरीके से समझ में आ रहा है। इसमें किसी के लिए कोई नया लफ्ज ऐसा नहीं है जिसको समझना मुश्किल हुआ। आइए जी देख लेते हैं इसको लफ्ज पलस, एक बार तो पढ़ लेते हैं, तिलावत पूरी कर लेते हैं और फिर तर्जुमा देख लेते हैं लफ्ज पलस। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون صدق الله العظيم। कुल कह दीजिए अतुहाजूना ना, इसमें टुकड़े कितने करेंगे, आ तुहाजूना ना, तीन टुकड़े, तीन। इसमें आया तुहाजूना, इसको पहचान सकते हैं कौन से पैटर्न पर है सर? युहासिबूना, तुहासिबूना की तरह, तुहासिबूना, हुज्जतबाजी करना, झगड़ा करना। और ये आई थिंक इससे पहले आ चुका है, ठीक है? यस सर। कहाँ आया था कि क्या तुम बताते हो उनको कि वो लियुहाज्जूकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ताकि वो उसके जरिए तुम्हारे रब के सामने तुम्हारे साथ झगड़ा करें, हुज्जत करें। ये पहले भी आ चुका है। फिल्लाह, अल्लाह के बारे में, वह हुआ रब्बुना, वो यहाँ पर हालांकि का माना दे रहा है, तो वो के तीन माने हम पढ़ चुके हैं। वो एक और के माना में आता है, एक कसम के लिए आता है और एक हालांकि, तो यहाँ हालांकि वाला माना। वह हुआ रब्बुना, हालांकि वही हमारा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा भी रब है, वा ला ना और हमारे लिए अमालुना हमारे अमल, वलकुम और तुम्हारे लिए अमालुकुम तुम्हारे अमाल,
वनहनु और हम सब लहू उसी के लिए मुखलिसूना खालिस हैं, मुखलिस हैं, खालिस हैं। तो इन आयात में भी और पिछली आयात में अल्लाह ने उन्हें अलग अलग तरीक़ों से इस्लाम की दावत दी और बिल्कुल साफ अंदाज में इस्लाम को पेश किया है ताकि वो हक की तरफ लौट जाएं। हमारे लिए कुरान में दावत और तबलीग की और बात को पेश करने की बेहतरीन ट्रेनिंग मौजूद है। हमको ये ट्रेनिंग और तरीके अच्छी तरह से सीखने चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके पर दीन की दावत दे सकें। कहीं पर अल्लाह ने नरमी के साथ समझाया है, कहीं पर अल्लाह ने जन्नत के हालात बताकर शौक और रगबत दिलाकर समझाया है, दीन की तरफ बुलाया है, कहीं जहन्नम की सख्तियों का जिक्र करके डराकर अल्लाह ने बुलाया है। तो मुख्तलिफ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसको किस अंदाज से समझाना है और उसको दीन की तरफ लाना। तो दीन इस्लाम को मानना और उस पर अमल करना बहुत ही अहम मामला है और ये मामला अल्लाह से मुताल्लिक है। वही हमारा और आपका रब है, वो हमारी हर एक जरूरत का ख्याल रखता है। यहाँ अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ रब्बुना, वो हमारा रब है, यानी क्या हुआ हुआ इलाहुना, रब कहा, यानी शफकत वाला मफहूम जो है वो दिखाया है। तो जब वो हमारी हर जरूरत का ख्याल रखता है तो फिर हम कैसे उसके साथ जो हमारा ताल्लुक बनता है उससे हम लापरवाह हो सकते हैं। और साथ ही ये भी कह दिया कि लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हम अपने कामों के खुद जिम्मेदार हैं, हम अपने कामों के खुद जिम्मेदार हैं। तो अल्लाह के मुताल्लिक हमें मुखलिस होना चाहिए, यानी इखलास होना चाहिए। इखलास क्या है, यानी हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए किया जाए। हमें ना किसी और का कोई खौफ होना चाहिए, ना शोहरत या किसी की जानिब से तारीफ की फिक्र होनी चाहिए। इसका यह मतलब भी है कि हम अल्लाह के रास्ते में घटिया चीज या सिर्फ बचा हुआ वक्त खर्च ना करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और हमारे लिए अमली तौर पर जो है वो इसका बड़ा अहमियत रखती है ये कि हम अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के नाम पर कोई चीज दे रहे हैं या कुछ वक्त दे रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि वक्त अगर नहीं है तो हम अपने वक्त को फारिग करके दें। एक तो यह है कि आप सारे कामों से फारिगुल बाल होकर, सारे कामों से फ्री होकर, अब आप हमारे जहन में आता है जी कि अब हम फ्री हैं तो अब हम कुछ अल्लाह का काम भी कर लें। तो अगरचे वो कोई गलत मतलब नहीं है, लेकिन बेस्ट तरीका ये था कि अपनी खास जोबन का वक्त, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह 7 लोगों को अर्श का साया देगा, उसमें से एक वो है शाबुन नशा अफी इबादतिल्लाह, वो जवान है जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो और अल्लाह की इताअत में गुजरी हो। बड़ी उम्र में आकर, आखिरी उम्र में आकर तो अच्छे अच्छे जो है वो सुधर जाते हैं। सही ये है कि अपनी मसरूफियत का, जवानी का, ताकत का वक्त जो है वो अल्लाह की राह में लगाया जाए, अल्लाह के लिए उसको दुरुस्त तरीके पर बनाया जाए। इसी तरह कोई चीज देनी है अल्लाह के रास्ते में तो उसमें भी कोशिश होनी चाहिए कि हम पसंदीदा चीजों को दें। चौथे पारे का इब्तिदा जहां से हो रही है, वहां अल्लाह ने फरमाया लम तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी के कामिल दर्जे तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम उन चीजों में से खर्च करो जिसे तुम खुद पसंद करते हो। तो इसकी भी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। इस आयत को पढ़िए जरा एक मरतबा मेरे साथ तर्जुमा करते हुए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم, कह दीजिए क्या तुम हमसे झगड़ा करते हो अल्लाह के बारे में, हालांकि वही है हमारा रब और तुम्हारा रब। ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم, और हमारे लिए हैं हमारे अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल। وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, और हम उसी के लिए खालिस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी आयत, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله. तो क्या भला तुम कहते हो, अम तकुलूना, अम क्या,
हम जब ये बिल्कुल किसी जुमले के शुरू में आए तो क्या या भला के बारे में आता है, भला यानी एक हैरत से सवाल करने के बारे में, यानी किसी बात को कोट करते हुए हैरत का इजहार सवालिया अंदाज में करना हो तो हम तकून, क्या तुम ये कहते हो क्या कि इन इब्राहिम, बेशक इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, वल असबाक और याकूब की औलाद, कानू हुदन, वो सब थे यहूदी, औ नसारा या नसरानी, कुल आप कह दीजिए। फिर ये अम का एक दूसरा इस्तेमाल है, अ अंतुम आलमु अमिल्ला, अ अंतुम आलमु अमिल्ला। अब यहाँ ये अ से शुरू हो रहा है तो ये क्वेश्चन है, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है, तो अ अंतुम अमिल्ला, क्या तुम या अल्लाह। तो ये भी एक खास अंदाज है, इसको हम आगे जाकर प्रैक्टिस भी करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह क्यूसी 6 की जब हम ग्रामर को रिवाइज करेंगे तो कुछ नए टॉपिक्स जो अभी तक हमने कवर नहीं किए, कुछ छोटे छोटे इस तरह के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम क्यूसी 6 में कवर किया करेंगे। उसमें आएगा कि ये जब आता है आ तो इसके साथ बाज़ औक़ात अम आता है, इसको नाम भी दिए जाते हैं अम मुत्तसिला, मुनक़तिया वगैरह, ये इंशाल्लाह हम टर्म्स वहीं पर पढ़ेंगे। तो ये जब दो बातों के बारे में सवाल आता है, जैसे वो इंग्लिश में एक यूज होता है ना इधर और इधर और नॉर, उसी तरह से ये भी है आ और अम इस्तेमाल हो जाता है बीच में, क्या ये है या ये है, तो अंतुम या अल्लाह, जब दो चीजों के बारे में सवाल किया जा रहा है क्या ये है या ये है, अहाजा अम हाजा, तो जिन दो के बारे में, अब यहाँ पर ये इस आयत के इस तरीके से भी आलमु अंतुम अम, फिर उस सूरत में आलमु जो है वो खबर के बारे में था, क्या तुम ज्यादा जानने वाले हो या अम आमलु, फिर यूं होना चाहिए था कुछ, लेकिन यहाँ पर पर्संस की बात हो रही है, फाइल की बात हो रही है कि जानने वाले तुम ज्यादा हो या जानने वाला अल्लाह ज्यादा है, तो इसलिए आ और अम उन दो के साथ है। ये डिटेल्स इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। आ अंतुम, क्या तुम, आलमु ज्यादा जानने वाले हो, अमिल्ला या अल्लाह, और आलमु कौन सा पैटर्न है, लफ्ज हम पढ़ चुके हैं, कौन सा सीधा बनेगा सर, इस्म तफ़सील, तो इस्म तफ़सील अफ़ालु का पैटर्न, बिल्कुल, तो इस्म तफ़सील के बारे में एक बात यहाँ पर हमें ये भी समझ में आ रही है कि अंतुम तो जमा है लेकिन आलमु सिंगुलर यूज हुआ, तो ये सिंगुलर प्लूरल के लिए एक ही तरह इस्तेमाल होता है, अंतुम आलमु, अंतुम अफ़दलु, यानी आलमु की जमा आलमून वगैरह नहीं इस्तेमाल होती, वो इसी तरीके से आ अंतुम और आ तुहाजु, ये भी आ आया ना, ये दोनों सेम है या इनमें भी कोई फर्क है, नहीं वो सिंपल क्वेश्चन है ना, अतुहाजुना, क्या तुम सवाल करते हो, यहाँ पर अम के साथ आया हुआ है ना कि दो में से एक को जो है ना उसने तय करना है, ये वो सूरत है कि जब आ के बाद अम आ रहा हो तो अब दो में से किसी एक की बात होगी, तफसील तो वैसे तो आप दोनों जगहों पर क्वेश्चन के लिए ही है, लेकिन जब ये वाला अंदाज आता है अंतुम आलमु अमिल्ला वाला, तो एक तरह से डांट और तंबीह का अंदाज होता है, ठीक है, एक ये है कि आप वैसे किसी से कहें अंतुम आलमु, क्या तुम्हें ज्यादा पता है, और एक ये है कि, और ये सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है कि क्या तुम ज्यादा जानने वाले हो, वाकई में आप सवाल कर रहे हो, लेकिन जब आप ये कहते हैं अंतुम आलमु अम हुआ, क्या तुम ज्यादा जानते हो या वो ज्यादा जानता है, या अंतुम आलमु अमिल्ला, क्या तुम ज्यादा जानते हो, तो अल्लाह, तो इससे मुराद क्या है कि अल्लाह ही की बात की जा रही है, अम बाद में आ रहा है उसी के बारे में, अल्लाह ज्यादा जानने वाला है, तुम अपनी बातों को अपने पास रखो, तो ये लिखने वाला पैटर्न भी इसी तरह के, वो अलिफ के साथ आएगा और ये हमजा के साथ आएगा, मोस्टली ऐसे ही होगा सर, यहाँ पे लफ्ज़ ज्यादा किस चीज को कहा गया, अंतुम का होगा कि तुम जानते हो या अल्लाह जानता है, तो ये मुहावरा तो ज्यादा जानना है, आलम के अंदर, आलम इस्म तफ़दील है ना, तो इस्म तफ़दील के अंदर ज्यादती वाला माना पाया जाता है, कंपैरिजन वाला, अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर।
तो यहूदियत और नसरानियत इन अजीम नबियों के आने के बाद की ईजाद की गई है, वरना उन अंबिया किराम का दीन तो इस्लाम था, यानी अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। अंतुम आलम, क्या तुम अल्लाह से ज्यादा जानते हो? ये अल्लाह की जानिब से एक जबरदस्त ऐलान है, कोई जिद्दी इंसान ही होगा जो इतनी वाज़ह और मौसर बातों का इनकार कर। हदीस अना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, तवील हदीस जिक्र करने के बाद आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल अंबिया इख्वतुल लिअल्लातिन उम्महातुहुम शत्ता व दीनुहुम वाहिद, कि तमाम अंबिया अल्लाती भाइयों की तरह हैं, कि उनकी माएँ अलग अलग हैं और उन सब का दीन एक ही है। अल्लाती भाई किसको कहते हैं? बाप शरीक, यानी जिनका वालिद एक ही हो, माएँ अलग अलग हों, एक ही वालिद के बेटे हों लेकिन माएँ अलग अलग हों, तो इसको कहते हैं अल्लाती भाई। और अगर माँ एक है, वालिद अलग अलग हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अच्छा चलें, उसको कहते हैं अख्याफी भाई। एक बार दोहराइए इस हिस्से को। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अम तकूलूना, क्या तुम कहते हो? इन इब्राहीम, के बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माईल व इसहाक़ व याकूब व अस्बात, इस्माईल इसहाक़ याकूब और अस्बात, कानू हूदन, वो सब थे यहूदी, औ नसारा या नसरानी। कुल, आप कह दीजिए, अ अंतुम, क्या तुम सब आलमु, ज्यादा जानने वाले हो, अमिल्लाह या अल्लाह। तो ये आयात हमारी तर्जुमा देख ली हमने, असबाब भी देख लिए। असबाब फिर से देखिए, दीन पर अमल करना बहुत अहम मामला है, इसलिए दीन के तमाम अहकामात को देखते हुए उन पर अमल करते हुए अल्लाह के बारे में, अल्लाह के साथ अपने रब होने वाले ताल्लुक को जहन में रखा जाए। जब भी हमारे सामने कोई अल्लाह का हुक्म आए तो हम अल्लाह की रुबूबियत को याद करें कि अल्लाह ने हमें मोहब्बत के साथ तख्लीक किया है, जिंदगी दी है, इतनी सारी नेमतें दी हैं, और फिर उसने हमसे कुछ मुतालबे किए हैं, तो हम उन मुतालबों को पूरा करें। और यहूदियत और नसरानियत बाद के लोगों ने ईजाद की है, अम्बिया तो मुस्लिम थे, यानी अल्लाह ने कहीं पर भी यहूदी बनी इसराइल के उन लोगों को ये नहीं कहा कि ये यहूदी हैं और ये नसरानी हैं, उस दौर के मुस्लिम थे वो, बाद में आने वालों ने अपने आप को यहूदी और नसरानी बना। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें मुखलिसीन में से भी बना ले और मुखलसीन में से भी बना ले। मुखलिस अगर होगा तो मुखलिस का माना खालिस, और मुखलस जिसको खालिस कर लिया गया है, यानी चुना हुआ मुंतखब शुदा बंदों में से बना ले, अल्लाह हमें मुखलिस भी बना ले और मुखलस भी बना ले, आमीन। और प्लान बनाया जाए कि जब भी मुमकिन हो हम अपनी नीयत को चेक करते रहेंगे, वक्तन फवक्तन अपनी नीयतों को टटोलते रहना चाहिए और अपनी नीयतों की तजदीद करते रहना चाहिए, कि सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए ही भलाइयाँ करेंगे, नेकी के काम करेंगे और उन नेकी के कामों में बेहतरी से मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। असमा देखिए, आमाल ये जमा है, इसका वाहिद अमल काम को कहते हैं, और आलम ये इस पर तफदील है, आलम से आलम ज़्यादा जानने वाला। अफ़ाल देखिए, कमज़ोर अफ़ाल में से आया है जी, कुल काला या कुलू से कुल, और काना, काला और काना ये दोनों ही आए हुए हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। मजीद फी में अतुहाजूना पहले भी आ चुका है, हाजा युहाजु हाजिज मुहाजुन मुहाजुन और मुहाजतुन, हुज्जत बाजी करना झगड़ा करना। मुखलिसून ये कौन सा पैटर्न है? मुखलिसून जी सर, मुस्लिमून असलमा से सर, असलमा मुस्लिमून, बिल्कुल तो मुस्लिमून की तरह है अगर, तो छह चाबियां क्या बनेंगी? अखलासा युखलिसु अखलिस मुखलिस मुखलस इखलास, माशाल्लाह, अखलासा युखलिसु अखलिस मुखलिस मुखलस इखलास, खालिस कर देना। तो ये तो मुकम्मल हो गया, आज हम जल्दी हो गए। अच्छा चलें, अब देखते हैं इसमें जोड़ियां वगैरह देख लेते हैं और नसब की अलामतें वगैरह और नसब की वजूहात जानते हैं। रफा देख लेते हैं, कुल अतुहाजूनना,
फिल्लाही, फिल्लाही कौन सी जोड़ी बन रही है? जार मजरूर, जार मजरूर, जार मजरूर। हुआ रब्बुना तल्लुक वाली जोड़ी, मुतदा जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया। हुआ रब्बुना जुमला इस्मिया है, तो इसमें मुतदा क्या है? हुआ, हुआ मुतदा। और खबर क्या है? एक्चुअली ये रब्बू जो है ये खबर है और फिर वो मुदाफ बन रहा है। इसको हम इंशाल्लाह मजीद वो करेंगे कि हम इसको किस अंदाज से बयान किया करेंगे। आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। हम इसको कहेंगे हुआ ये मुब्तदा है और रब्बू खबर है प्लस ये मुदाफ है, यानी ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम है, और ना जो जमीर है ये मुदाफुन इलेही, यानी ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम। इसको दोनों तरह से बयान किया जाता है। बाज़ ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि पूरे इस जोड़ी को कह दिया जाए कि रब्बुना पूरी खबर है, लेकिन दूसरे लोग और जो मतलब हालत को पहचानने में आसानी इसमें है कि हम जोड़ी के पहले लफ्ज के बारे में बात करें, सिवाय जार मजरूर की जोड़ी के, बाकी सब जोड़ियों में जोड़ी का जो पहला हिस्सा है हम उसको जो है वो कोई भी हैसियत दें, खबर बनाना है, मुब्तदा बनाना है। उसका फायदा ये होगा कि जैसे इशारे वाली जोड़ी हो या सिफत वाली जोड़ी हो, तो उसमें जो दूसरा इसम होता है इशारे की जोड़ी में और सिफत वाली जोड़ी में, दूसरा इसम वो पीछे वाले का जो है वो उसकी जस्ट इत्तबा कर रहा होता है कि अगर वो रफा में है तो ये भी रफा में आ जाएगा, वो नसब में तो ये भी नसब में आ जाएगा, तो उसकी अपनी हालत नहीं होती। और ताल्लुक की जोड़ी में तो दूसरा इसम हमेशा क्या होता है? जर की हालत में होता है। ताल्लुक की जोड़ी में दूसरा इसम हमेशा जर की हालत में होता है, तो इस सूरत में यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि हम कहें हुआ रब्बू ना, तो ना को अगर हम एंड तो ना पे हो रहा है, अगर हम रब्बू ना पूरे को खबर बनाए, हमने बात की कि खबर रफा की हालत में होती है और रब्बू ना में ना आखिरी आ रहा है और वो जर की हालत में है, तो वहां कंफ्यूजन आ सकती है कि वो तो जर की हालत में, तो यहाँ खबर जर की हालत में है। तो इसलिए उस परेशानी से बचने के लिए हम आ जाए इस पे कि रब्बू ना में असल रब्बू है, असल रब्बू है और वो रफा की हालत में आ रहा है। ये बात समझ में आई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आगे नसब नहीं है, नहीं पेश है ना रफा है, किधर नसब है? रब्बू ना, ना के ऊपर तो वो है नसब है ना? नहीं, ना के ऊपर नसब कैसे है? रब्बू ना, चल मैं देखता दोबारा, ना पर ना के आखिर में तो जबर कर रहे हैं, जबर है, अलिफ, अलिफ, अच्छा अलिफ जबर है, लेकिन लेकिन फिर भी हम इसको नसब नहीं कहते। ये रब्बू ना कौन सी जोड़ी बन रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, रब्बू ना कौन सी जोड़ी है सर? ताल्लुक है, ताल्लुक की जोड़ी, ना जो है ये ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम है और ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम हमेशा जर में होता है, जर की हालत में होता है, जर होगी, जेर, तो जेर है नहीं यहाँ पे, वो क्यों नहीं है? क्योंकि जमीरें जितनी भी है, ना जमीर है ना, प्रोनाउन है, ना जमीर की फॉर्म में थी सर, ना प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन्स की एंडिंग्स चेंज होती हुई हमें नजर नहीं आती, ना अच्छा, हमेशा ना ही रहेगा, ना ही रहेगा, ठीक है, ठीक है, ये का, आज का जो है वो हमेशा का ही रहेगा। रब्बू का अगर हम कहेंगे तो वो जर की हालत में है, रब्बू का, रब्बू का में का जर की हालत में है, लेकिन हमें नजर जबर आ रही है। और फी का वो अगर हम कहते हैं खलाका का, तो खलाका का में उसने पैदा किया आपको, यहाँ पर का नसब की हालत में है मफूल होने की वजह से, ठीक है, तो वो नजर तो हमें आ रहा है, जबर ही रहेगी हमेशा, चेंज नहीं नजर आएगा, तो हालत तो चेंज होगी लेकिन जाहिरी सूरत चेंज नहीं होती। तो प्रोनाउंस हमेशा एक ही हालत में रहती हैं, जैसे इशारे के अल्फाज कभी चेंज नहीं होते ऐसे ही प्रोनाउंस भी चेंज नहीं होते। खैर, तो रब्बुना ताल्लुक की जोड़ी, रब्बुकुम ये भी ताल्लुक वाली जोड़ी, ये भी ताल्लुक की जोड़ी है, लना
जार मजरूर सर, जार मजरूर है। आमालुना तल्लुक वाली जोड़ी, तल्लुक वाली जोड़ी होगी। लना आमालुना, इस पूरे को अगर मिलाएं तो हम इसको क्या बना सकते हैं, लना आमालुना मुब्तदा क्या होगा, आमालु होगा और लना खबर होगी इसकी। आमालु मुब्तदा हो जाएगा और वो मुदाफ बन रहा है, यानी ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम, और ना ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम, और लना जार मजरूर खबर की जगह पर आ रहा है। ठीक हो गया। लकुम आमालुकुम भी इसी तरह है, व नहनु लहू मुखलिसून, इसको बताएं ये क्या बनेगा, नहनु लहू मुखलिसून। जुमला इस्मिया है ये भी, इसमें मुब्तदा क्या है, नहनु, खबर मुखलिसून, मुखलिसून। और लहू के बारे में क्या कहेंगे, सिंपली जार मजरूर कहकर आगे चल देंगे। ठीक है, ऐसी सूरत में नहनु लहू मुखलिसूना, जैसी सूरतों में हम कहेंगे नहनु मुब्तदा है, मुखलिसूना खबर है, और लहू जार मजरूर। दैट्स इट। तो मुखलिसूना रफा की हालत में है, यस सर, या रफा की अलामत क्या नजर आ रही है हमें, रफा की अलामत वाओ नजर, वाओ। याद रखिए ये अस्मा में जब ये आता है तो रफा की अलामत वाओ है, वाओ नून नहीं है। मुखलिसूना मुस्लिमूना वगैरह में जब हम कहते हैं कि ये रफा की हालत में है तो इसमें रफा की अलामत सिर्फ वाओ है, नून नहीं है। मुखलिसीन भी हो सकता है वैसे, अगर वो जर की हालत में आए तो, जर की हालत में आएगा तो फिर मुखलिसीना हो जाएगा ना, तो चेंज कहाँ पर आया है, वाओ की जगह या चेंज हो गया, तो वाओ रफा हो गया और या नसब या जर हो गया। ठीक है। हम तकुलूना इन्ना इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा व लसबाता, ये सारे क्या हैं, इब्राहिम इस्माईल इसहाक याकूब और असबात, कौन सी हालत बन रही है इनकी, इन्ना का इसम तो बनेगा सिर्फ इब्राहिमा, इब्राहिमा को हम कहेंगे कि ये इन्ना का इसम है और इस्माईल इसहाक याकूब और अलसबात ये सब उसके साथ जो है ना उस पर अतफ हो रहे हैं, ये जो वाव है इसको कहते हैं ये अतफ वाला वाव। अगरचे मफहूम के एतबार से ये भी वही माना दे रहे हैं जो इन्ना इब्राहिमा से मिल रहा है, यानी हम वाव के वास्ते से यूं समझेंगे कि गोया हम इसको यूं पढ़ रहे हैं, इन्ना इब्राहिमा व इन्ना इस्माईला व इन्ना इसहाका व इन्ना याकूबा व इन्ना अलसबाता, कि ये इन्ना 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 वाव की वजह से सबके साथ है। लेकिन बार बार एक ही लफ्ज को जिक्र करना ये कलाम की खूबसूरती को खत्म करता है, तो ये सिर्फ वाव के जरिए से इन सब को आपस में अटैच कर दिया गया। तो लेकिन जब हम इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं तो उस वक्त हम इन्ना का इसम सिर्फ इब्राहिम को बनाएंगे और इस्माईल इसहाक याकूब और असबात ये सारे हम कहेंगे कि ये सब उस पर अतफ हो रहे हैं, और ये सारे के सारे इन्ना का इसम किस हालत में होता है, नसब की हालत में। तो ये नसब की हालत पे आ रहे हैं सारे। कानू हुदन, तो ये काना आया तो काना वाला जुमला बन जाएगा ये कानू हुदन। तो काना का इसम क्या होगा, हम होगी, हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि काना का इसम वाओ है जो हम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एक्चुअली वाओ है, जब जमा में आएगा ना तो हम कहेंगे कि काना का इसम वाओ है जो हम की नुमाइंदगी कर रहा है यहाँ पे, इससे मुराद हम है, तो वो काना का इसम हो जाएगा और रूदन जो है वो काना की खबर हो जाएगा। औ जो है ये भी अतफ के अल्फाज में से है, तो जब अतफ के अल्फाज में से है तो ये नसारा जो है ये फिर हुदन के ऊपर अतफ हो जाएगा। तो हुदन तो नसब की हालत में आ रहा है तो नसब की अलामत हमें क्या नजर आ रही है, दो जबरें नजर आ रही है, जबर नजर आ रही है। नसारा में हमें नसब की अलामत कोई नजर आ रही है, इसको आज पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, कि इस तरह के जिनके आखिर में हम अलिफ पढ़ रहे होते हैं, नसारा मूसा ईसा यहया जकरिया, ये अलिफ वाला साउंड जिन अस्मा के आखिर में आता है
उनके एराब की अलामतें, उनकी हालत की अलामतें हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि मूसा हम अगर कहते हैं काला मूसा, मूसा ने कहा, तो यहाँ मूसा क्या बन रहा है? सर फाइल बन रहा है। फाइल बन रहा है, तो काला मूसा में मूसा फाइल है, फाइल रफा की हालत में आता है, तो यहाँ रफा की अलामत कोई नजर नहीं आ रही। अच्छा, अगर कहते हैं जी रअईतु मूसा, मैंने मूसा को देखा, तो यहाँ मूसा मफूल बन रहा है, नसब की हालत में। यस सर। लेकिन कोई अलामत चेंज नहीं हो रही। और अगर कहते हैं समीअतु मिन मूसा, तो वहां मिन हर्फ जर के बाद मूसा आ रहा है जर की हालत में, लेकिन वहां भी कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। तो इसको, इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये आज 20 डी में इंशाल्लाह कवर करेंगे। जी नूर मोहम्मद साहब। सर ये हुदन के मफूल मफूल है? नहीं, मफूल क्यों है? इससे पीछे देखें, मफूल फेल का होता है, इससे पीछे क्या आया? कानू। तो काना जब आ जाता है, तो काना के बाद मफूल आता है या कुछ और आता है? काना इसम आता है। काना का इसम और काना की खबर आती है, काना की खबर। तो काना के इसम नसब की हालत में होता है या काना की खबर? काना की खबर नसब। तो हुदन फिर क्या बन जाएगा? काना की खबर बन जाएगी, काना की खबर बन जाएगी। कुल अअंतुम आलमु अमिल्ला, अअंतुम आलमु, इसको कैसे बताएंगे? अंतुम आलमु कौन सा जुमला बन रहा है? जुमला इस्मिया। तो अंतुम मुब्तदा और आलमु खबर है। जी सिस्टर हुमैरा, क्वेश्चन है आपका। जी सर, ये कानू का आपने कहा ना, काना का इसम बाऊ है सर, इसको एक्सप्लेन कर दें जरा। अच्छा देखिए, जब हम कहते हैं ना फाला, उसने किया, तो हम कहते हैं फाला का फाइल क्या है? हुआ, जो उसमें छुपा हुआ है जी। और फालू, फालू के बारे में हम कहेंगे कि फाला फेल है, तो इसका फाइल क्या है? हमें कैसे पता चल रहा है कि ये जमा की बात कर रहा है? फालू जब हम कहते हैं, तो हमें वाओ बता रहा है ना कि ये जमा की बात कर रहा है। हम जी, ये वाओ, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, सिर्फ पहले लफ्ज के अलावा, माजी में पहले लफ्ज के अलावा, बाकी सब के साथ कुछ ना कुछ अलामतें और निशानियां मौजूद हैं, जो हमें बताती हैं कि ये वाहिद की बात कर रहा है, जमा की बात कर रहा है, मुजक्कर की बात कर रहा है, मुअन्नस की बात कर रहा है। तो वो जो लफ्ज आ रहा है, हम उसको एक्चुअली कहेंगे कि ये फाइल है जो नुमाइंदगी कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है हम को, अंता को, अना को, अंतुम को, नहनु को। असलन फालू में हम कहते हैं कि फालू में फाइल वाओ है, जो हम पर दलालत कर रहा है। फालता में फाइल ता है, जो अंता को बता रहा है। फालतू में फाइल तू है, जो अना को बता रहा है। फालतुम में फाइल तुम है, जो अंतुम को बता रहा है। फाल ना में फाइल जो है वो ना बनेगा, नहनु की बात कर रहा है। ठीक है, तो जिसको हमने फेल का फाइल बनाया, ऐसे ही जब वो काना वाली सूरत में आएंगे, तो काना में सिर्फ काना होगा, तो उसके बाद तो या तो इसम लिखा हुआ नजर आएगा, अगर हमने जमीर माननी है, तो हम कहेंगे काना में छुपा हुआ हुआ इसका इसम बन गया। लेकिन अगर कानू है, तो अब ये वाओ है जो हम पर दलालत कर रहा है, ये काना का इसम बन जाएगा। तुम ता है, तो ता इसम बन जाएगा। कुन तू है, तो तू इसम बन जाएगा। कुन तुम में तुम इसम बन जाएगा। और कुन नाम है, ना इसम बन जाएगा। बात यही करेंगे कि ये हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु की बात करें। सही, जज़ाकअल्लाह सर। अच्छा जी, तो इसके साथ हमारा ये कुरान वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ। कोई सवाल किसी के जहन में हो? सर ये अमिल्ला, अमिल्ला ये कौन सी जोड़ी बनी है सर? ये कोई जोड़ी नहीं है सर, ये अम जो है ना, ये कुछ हरूफ हैं जो अतफ के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनमें से एक है वाओ जो अक्सर आता है, एक फा ये भी कभी अतफ के लिए आता है, और एक सुम्मा आता है, एक जो है औ आता है जो अभी आया हुदन औ नसारा, और एक अम जो है ये भी बाज़ोकात अतफ के तौर पर आ रहा है। तो ये सिंपली एक हर्फ है, इसका कोई जो है ना हुरूफ में से, अमल करने वाले हुरूफ में से ये नहीं है, यानी ये अपने बाद आने वाले किसी इसम के एंडिंग को चेंज नहीं करता। जब ये चेंज नहीं करता, तो हम बस इसको सिंपली एक हर्फ लेंगे और बाद वाले को एक इसम ले लेंगे, इसको कोई जोड़ी नहीं बनेगी। जोड़ी हमने सिर्फ बनानी है जार मजरूर हुरूफ के साथ, जब हम जोड़ी बनाएंगे तो वो सिर्फ जार मजरूर की जोड़ी बनेगी। दक्ष,
लेकिन अम का इस्तेमाल मैंने बताया ना कि ये आ और अम इकट्ठे आएंगे, औ में ये जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले आ जैसे आया आ अंतुम, आ अंतुम के बाद अम आएगा, आ अंतुम आलमु औ अल्लाह नहीं आएगा, आ अंतुम के बाद अम ही आएगा। ठीक, इस तरह की जब कंस्ट्रक्शन होगी जुमले की तो ये खास बात है कि आ के बाद अम ही आ रहा हो। अच्छा जी, ग्रामर 23 में हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़नी है। वो किधर गया अपना शरबत? अच्छा जी सिस्टर, हमारा आपका हैंड रेज है, ये सवाल हो चुका है या मजीद कुछ पूछना है आपने? जी सर ये वही था, सॉरी। अच्छा चलें फिर इसको मैं नीचे कर देता हूँ। अच्छा जी, हमने पढ़ना है गैर मुनसरिफ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपनी एक गहरी सांस लें और तवज्जो सारी मरकूज करें इधर और पूरे तवज्जो के साथ और ध्यान से सुनिए। गैर मुनसरिफ पढ़ना है हमने। गैर मुनसरिफ क्या है? हमने पढ़ी है इसम की तीन हालतें होती हैं, रफा की हालत, नसब की हालत और जर की हालत। तो आमतौर पर इसम की रफा नसब जर तीनों सूरतों में तब्दीलियां वाकई होती हुई हमें नजर आती हैं। मसलन रफा की हालत में मुस्लिमुन पेश नजर आई हमें, नसब की हालत में मुस्लिमन जबर नजर आई और जर की हालत में मुस्लिमिन जेर। ये पेश जबर और जेर की तब्दीली हमें तीनों हालतों की पहचान करवा देती है कि यहाँ ये रफा है, यहाँ नसब है या जर। ठीक हो गया। इसी तरह हमने इसकी मिसालें देख ली, जा आ मुस्लिमुन यहाँ रफा की हालत में आ रहा है क्योंकि जा आ के लिए फाइल बन रहा है। रा आ जईदुन मुस्लिमन यहाँ मुस्लिमन नसब की हालत में आया क्योंकि रा आ के लिए मफूल बन रहा है। समी आ जईदुन मिन मुस्लिमिन यहाँ जर की हालत में आया क्योंकि ये मिन हरफ जर के बाद आया। तो कुछ दिलचस्प इस्तिस्नाआत हैं इसमें से, बड़े इंटरेस्टिंग है। मसलन अल्लाहु गफूरुन, हमने सिंपल जुमला इस्मिया पढ़ा था अल्लाहु गफूरुन, लेकिन जब हम अजान में या कहीं पर भी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहु अकबरु, अकबरुन नहीं कहते हम। हालांकि हमने अभी तक ये पढ़ा था किसी भी इस्म के आखिर में तनवीन ना आने की कितनी वजूहात पढ़ चुके हैं हम। जी इसम के आखिर में तनवीन यानी डबल इस समाधा होगा तो अलगावा होगा तो तनवीन नहीं आई। और कोई वजह? सर इसम तफजील में भी पढ़ा था मदाफ होगा। जी मुदाफ होना, ये जो मुदाफ होना है यानी ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम उस पर डबल हरकत नहीं आएगी तनवीन, और किसी इसम के शुरू में अल लग जाए तो तनवीन नहीं आएगी। ये दो वजूहत पड़ी थी हम, मतलब जो बेसिकली वजह है। तीसरी बात अभी शिक्षक ने बात की कि इसमें तफदील के बारे में भी पढ़ा था, तो वो एक्चुअली उसको हम आज डिस्कस करेंगे कि इसमें तफदील के एंड पे ये तनवीन क्यों नहीं आती है। तो ये अकबरू इसमें तफदील था, हमने वहां पर तो सिंपली कह दिया था क्योंकि सिर्फ इसमें तफदील की बात थी। अब आज इसके साथ हम कुछ और ऐसे असमा भी पढ़ेंगे कि जिनके आखिर में तनवीन नहीं आती। आपको याद होगा जब हम किसी फोर में थे, जमा मुकसर वाला लेसन था, तो वहां पर कुछ जमा मुकसर के एंड पर भी मैंने नोट करवाया था कि इसके आखिर में तनवीन नहीं आएगी। मसलन उलामाऊ रुहामाऊ इस तरह की जमा के आखिर में तनवीन नहीं आएगी। तो वो सारी उस वक्त तो मैंने नोट करवा दी थी, आज हम उसकी लॉजिक पढ़ेंगे कि वो क्यों नहीं आएगी। ठीक है जी। तो सिंपली इसम के आखिर में हम देखते हैं कि अगर शुरू में अल नहीं है या वो ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम नहीं बन रहा तो हम उसके ऊपर आंखें बंद करके दो हरकतें लगा लेते हैं अल्लाहु गफूरुन। अब अगर इसके शुरू में अल गफूर होता तो फिर तनवीन चली जाती, या गफूरुर गफूरुर गफूर गफूरुल कौन या गफूरुन नास कुछ इस तरह से होता तो फिर ताल्लुक की जोड़ी में पहला इसम बनने की वजह से इसका तनवीन यानी डबल हरकत चली जाती। लेकिन जब ये दोनों सूरतें नहीं है तो गफूरुन तनवीन के साथ है। अकबर में ये दोनों वजूहात नहीं है लेकिन उसके बावजूद हम इस पर तनवीन नहीं पढ़ते। इसी तरह दुरूद शरीफ में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। ये बात तो पीछे कोई दो लेसन पहले बात हो भी चुकी है और वहां मैंने बता दिया था कि अम्बिया के नामों के आखिर में जेर नहीं आती, वो जबर ही आ जाती है जेर की जगह पर।
तो इब्राहिमा रूल के मुताबिक आला के बाद हरफ जर के बाद आ रहा है तो आला इब्राहिमी होता, लेकिन आला इब्राहिमी नहीं है बल्कि आला इब्राहिमा पढ़ते हैं। तो ये क्यों होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो इसम असली हालत यानी नॉर्मल इसम होता है जिसमें रफा में पेश आ रही है, नसब में जबर आ रही है और जर में जेर आ रही है, या तीनों सूरतों में कोई ना कोई चेंज नजर आ रहा है, उस पर हम तनमीन भी पढ़ सकते हैं, विदाउट तनमीन भी पढ़ सकते हैं, जो आम इसम है जैसे मुस्लिमुन है, तो ऐसे असमा जिनकी तीनों हालतों में तब्दीली हमें नजर आए, ऐसे असमा जिनके आखिर में तीनों रफा नसब और जर में होने वाली तब्दीलियां हमें नजर आ रही हों, उन असमा को नाम दिया जाता है मुनसरिफ। मुनसरिफ इसम, मुनसरिफ के बारे में बताइए, हम टेबल्स पढ़ चुके हैं, तो ये कौन से पैटर्न पर आ रहा है मुनसरिफ, कौन सा सीगा बन रहा है? जी असलम मुनसरिफ देखिए, अब आप किसी फाइल पढ़ चुके हैं, अब आप फाइल और मफूल और इसम फाइल और इसम मफूल दोनों पढ़ चुके हैं, आप बताएंगे फाइल है इसम फाइल है, तो कौन से बाब से इसम फाइल बनेगा मुनसरिफ? नून वाला फेल हमने कौन सा पढ़ा है मजीद फी में जिसके जिसमें नून आता है? ये नसरा से इसम फाइल मुनसरिफ के वजन पर आते हैं। नसरा का इसम फाइल क्या था? सर वो तो नासिर मजीद फी वाले टेबल्स में आए मुनकलिब की तरह है मुनसरिफ मुनसरिफ मुनकलिब की तरह। तो मुनकलिब में मादे के हरूफ क्या थे? काफ लाम और बा। तो मुनसरिफ में मादे के हरूफ क्या होंगे? नून स्वाद और स्वाद रे और फी से मिलकर हम शुरू से किसी फोर से हमने ये बातें करनी शुरू कर दी थी कि हम पढ़ रहे हैं दो चीजें सर्फ और नाब। सर्फ में मैंने एक बात बताई थी, सर्फ किसको कहते हैं? यानी मादे को मुख्तलिफ शक्लों में फेरना सर्फ कहलाता है। तो मुनसरिफ फिर जब आएगा तो मुनसरिफ का माना क्या होगा? जो फिरने वाला है, मुनसरिफ जो फिरने वाला है, यानी तीन हालतें रफा नसब और जर में जब आता है तो वो तीनों हालतों में फिरता है, यानी रफा दम्मा के साथ आ जाता है, यानी पेश के साथ, नसब जबर के साथ, जर जेर के साथ, इसको कहते हैं मुनसरिफ इस्म। तीनों हालतों में फिर कर अपनी शक्ल तब्दील करता है, इसको कहा जाता है ये इस्म मुनसरिफ है। समझ आ गई सर बिल्कुल। आगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक दूसरा इसम आता है जिसको कहते हैं गैर मुनसरिफ। तो गैर मुनसरिफ का माना फिर क्या हुआ? फिर वो जो ना फिरने वाला हो, जो बरकरार रहे एक जगह। ना फिरने वाले से मुराद क्या होगा कि उसमें फिरना तो है लेकिन पूरी तरीके से वो चक्कर पूरा नहीं करता है, कहीं तब्दीली आ गई शक्ल में कहीं नहीं आई। जी कहीं तब्दीली आ गई कहीं नहीं आई, चक्कर पूरा नहीं करता, तो कौन सी उसके अंदर एक्सेप्शन है, इस्तिस्ना क्या है उसमें? कि जो मुनसरिफ इसम होता है उस पर तनवीन भी आ सकती है और कसरा भी आ सकती है यानी जे, जबकि गैर मुनसरिफ इसम की ये खासियत है कि उस पर ना तो तनवीन आ सकती है यानी डबल हरकत भी नहीं आ सकती और जेर भी नहीं आ सकती। तो फिर कसरा यानी जर वाली हालत में क्या होगा? तो जर वाली हालत में भी उस पर जबर ही पड़ी जाएगी, जैसे अकबरू रफा की हालत, अकबारा नसब की हालत, और जर में भी ये अकबारा ही रहेगा। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे अकबारा नसब है या अकबारा जर है, कैसे पहचानेंगे? उसके पीछे जो लगा उसको देखकर कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए समझ जाएंगे कि यहाँ अकबारा जर की हालत में है या नसब की हालत में। तो उसमें आसान तरीका क्या है, पहले नसब की वजूहात देखेंगे या जर की? जर की जर की वजूहात पहले क्यों देखेंगे? जर की वजूहात सिर्फ दो हैं, तो उन दो में से कोई एक अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर वो
नसब है, फिर ढूंढते रहेंगे कि ये नसब की कौन सी सूरत बन रही है। ठीक है, कहीं पर भी इस तरह के अस्मा आए जो गैर मुनसरिफ में से हैं तो उनमें हमने, और वो जबर के साथ आ रहे हैं आखिर में, तो हम उसके पीछे देखेंगे हर्फ़े जर कोई है नहीं है, ये ताल्लुक की जोड़ी में दूसरा इसम तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो नसब है। अब फिर अगला सवाल होगा कि नसब की कौन सी वजह है, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये किसका का जवाब है, ताकीद है, या जो है ये हालत बन रही है, या ये जो है वो कहाँ कब किस कैसे और तमीज वगैरह, कोई भी वो वजूहात जो हमने पढ़ी हैं पिछले लेसन में, उनमें से हम फिर कोई भी एक डिसाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये रफा की हालत में हम कहेंगे अकबरु इब्राहिमु, नसब की हालत में आ जाएगा अकबरा इब्राहिमा, और जर की हालत में भी ये होगा अकबरा इब्राहिमा। दोहराएं जरा इसको, रफा की हालत अकबरु इब्राहिमु, नसब की हालत अकबरा इब्राहिमा, जर की हालत अकबरा इब्राहिम। ये तो हो गई एक आपको पहचान करवा दी या एक तारुफ करवा दिया कि गैर मुनसरिफ में होता क्या है, गैर मुनसरिफ होते कौन से हैं। तो ये चंद अस्मा हैं जो जिनके साथ ये मामलात होते हैं। पहले हम एक कहानी लेते हैं, उस कहानी में ये सारे अस्मा आ रहे हैं इस तरह के, और फिर एंड में मैं बताता जाऊंगा साथ साथ के इस इसम से मुराद कैसे अस्मा। सबसे पहली बात ये देखें, मुआविया ने मरियम से शादी की, उनके यहाँ औलाद हुई, इब्राहिम अहमद अफान उमर। इसको अगर मैं ये जो नाम लिखे हुए हैं इनको मैं उर्दू अरबी के हिसाब से बोलूं तो मैं कहूँ मुआवियतु ने शादी की मरियमा से, उनके यहाँ औलाद हुई, इब्राहिमु अहमदु अफानु उमरु। वो सब गए मिस्रु या मिस्रा गए और खाया उन्होंने मताइमा, वो सब थे सुआदाउ, लेकिन मुआविया थे गदबानु, क्यों, बहुत ज्यादा मसारीफु की वजह से। ठीक हो गया, मुआविया ने शादी की मरियम से, तो मुआविया से मुराद एक कैटेगरी है, मुआविया के तहत कुछ और अस्मा आएंगे, आगे हम बात करते हैं वो कौन से हैं। मरियम इसके तहत भी कुछ और अस्मा आएंगे, इब्राहिम इसके साथ भी कुछ और आएंगे, अहमद अफान उमर, यानी मुआविया और इस तरह के अल्फाज गैर मुनसरिफ हैं, मरियम और इस जैसे और अल्फाज गैर मुनसरिफ हैं, क्या सिमिलैरिटी होगी आगे हम बात करते हैं। इब्राहिम अहमद अफान इन सब के अंदर कोई ना कोई खसूसियात हैं, जिन खसूसियात की वजह से ये गैर मुनसरिफ हैं, मिस्र मताहिम सुआदा गदबान मसारिफ। मुआविया, मुआविया से मुराद क्या है, मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोल ता आती है, मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोल ता लिखी हुई हो वो गैर मुनसरिफ पढ़े जाते हैं। कौन कौन से हैं, तीन यहाँ लिखे हुए हैं, उसामा हुज़ैफा हमजा, और कौन से ऐसे, तलहा हनीफा हमदला। तो इस तरह के जितने भी नाम हैं, मर्द का नाम है लेकिन आखिर में गोलता, और गोलता किसकी अलामत है अस्मा में, गोलता नाम मुजक्कर का है लेकिन उसके आखिर में मुअन्नस वाली गोलता लगी हुई है, तो ये इस्म गैर मुनसरिफ हो जाएगा। एक कैटेगरी समझ में आ गई, मरियम, मरियम आसान है, मरियम आसान कैसे है कि खवातीन के सारे नाम गैर मुनसरिफ है, इसमें कोई मजीद वो बताने की जरूरत नहीं, जितनी भी खवातीन है वो गैर मुनसरिफ हैं। तो गैर मुनसरिफ क्या होता है, मतलब क्या है, जिसको फेरा ना जा सकता, तो खवातीन को फेरना मुमकिन नहीं है, गैर मुनसरिफ बात है सर, नहीं फेला जा सकता, या मेल्स जो है वो इस बात को जो एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। खैर, खवातीन के सारे नाम गैर मुनसरिफ हैं। इब्राहिम, इब्राहिम से मुराद क्या होगा, अंबिया के सारे नाम गैर मुनसरिफ हैं, इस्माइल इसहाक याकूब।
ये आगे। फिर गैर अरबी नाम, जो अरबी जुबान के नहीं हैं, किसी दूसरी जुबान में नाम थे वो किसी का, और अरबी में भी आकर वो उसी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, फिरौन, हामान, कारून, हारूत, मारूत, ठीक है, ये सारे अरबी के अलावा दूसरी जुबानों के नाम है। तो दूसरी इसराइल जैसे आता है या बनी इसराइला वगैरह में, तो ये सारे दूसरी जुबानों के नाम जब अरबी में इस्तेमाल होते हैं तो ये भी गैर मुनसरिफ होते हैं। सर ये दूसरी किसके नाम है सर, अरबी के अलावा कौन सी उसकी नाम है, कौन सी जुबान के नाम है वो, तो हम इसको अलग से सर्च कर सकते हैं। आई थिंक ज्यादातर ये सुरियानी या इबरानी के नाम है, क्योंकि अरबी से पहले जो ज्यादा जुबानें चलती थी जिनमें तौरात ज़बूर वगैरह का नुज़ूल हुआ, वो सुरियानी, इबरानी वगैरह जो है यही दो जुबानें ज्यादा चलती थी। तो ऑलमोस्ट सभी के बारे में, इन सब के बारे में यही कहा गया कि या ये सुरियानी जुबान का लफ्ज है या ये इबरानी जुबान का, हिब्रो का लफ्ज है। नहीं, हिब्रो तो मौजूद है, इब्रानी तो अभी भी है, यहूदी जो है वो उसको पढ़ते हैं जी, वो है। सुरियानी शायद खत्म हो गई है या वो उसी को मिलाकर जो है वो हिब्रो में ही उसको जम कर दिया गया। ठीक है। अहमद, अहमद से मुराद ये है कि अफ़अलु के वजन पर आने वाले तमाम अस्मा, यानी इस्म तफदील हम कह सकते हैं, इस्म तफदील जो है वो भी गैर मुनसरिफ होगा, और ये भी किसी ना किसी का जाहिर है नाम हो रहा होगा या सिफत होगी, तो ये नाम हो या सिफत हो दोनों सूरतों में इस्म तफदील गैर मुनसरिफ के तौर पर इस्तेमाल होगा। अकरमु, अकबरु, अरहमु, अशदु, असगरु, अरशदु, असलमु, ठीक है। अफ़ान, अफ़ान से मुराद मर्दों के वो नाम है जिनके आखिर में आन आ रहा है, आन, मर्दों के ऐसे नाम या कोई भी ऐसा नाम जिनके आखिर में आन आता है, रमादान, उस्मान, सलमान, और इस तरह के और कौन से नाम है, बुरहान, बुरहान शायद नहीं है इसमें, बुरहान जो है वो बुरहान, ठीक है सर, उस पे तो हमने पढ़ी थी दो पेश, बुरहान उसकी जमा बराहिम पढ़ा था, बराहिम थी, बुरहान जो है ना उसमें नहीं है, ये बराहिम भी पढ़ते हैं, बराहीन तो उसकी जमा है ना, बराहीन वो आगे आ जाएगी। अच्छा जी, तो ऐसे नाम जिनके आखिर में आनी आ रहा हो ये सारे के सारे गैर मुनसरिफ होते हैं नामों में। उमरु, उमरु भी एक खास पैटर्न है, जैसे अहमद एक पैटर्न है, इसी तरह जिस तरह एक पैटर्न ये है उसी तरीके से उमरु की तरह एक पैटर्न, जैसे अहमदु एक पैटर्न था उसी तरह उमरु, यानी फुआलु का पैटर्न जब आएगा इस नाम, इस पैटर्न पर आने वाले तमाम अस्मा ये भी गैर मुनसरिफ होंगे, और ये बहुत ही मुख्तसर तरीन कैटेगरी है, इसमें सिर्फ गिनती के कुछ चार से पांच नाम है, उमरु, मुदरु, जुहलु, हुबलु, जुफरु, ये पांच छह नाम है बस। उमर सिर्फ इसकी डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ नहीं करनी है, हमने इसको, हम इसको सिर्फ हम इतना ही ले रहे हैं, क्योंकि सिक्स या सेवन में जाके हम इसके पीछे जो वजूहात हैं उन वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे। अभी उन वजूहात में इसलिए नहीं जाएंगे कि अभी हमने सिर्फ इसी पर फोकस रहना है कि हम इन कैटेगरीज को जानने के कौन कौन सी हो सकते, ठीक है। मिस्र से मुराद मुल्कों और शहरों के नाम है, मुल्कों और शहरों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, मक्का, लंदन, बाबुल, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, ये सारे भी गैर मुनसरिफ हैं। मताइम, ये जमा की एक खास किस्म है, मताइम का वजन पैटर्न है जो मनाफे, मशारिब, मसाजिद, ये कौन सी जमा थी, मनाफे, मशारिब, वो जो इसमें जबान और मकान पढ़े थे हमने, उसकी जो जमा पड़ी थी वो भी गैर मुनसरिफ होगी, ठीक है। और सुअदाउ, ये ऐसे अस्मा को कहते हैं जिनके आखिर में ये अलिफ और उसके बाद हमजा आ रहा हो और ये एक्स्ट्रा हो, ये जो अलिफ और उसके बाद वाला हमजा है ये एक्स्ट्रा हो,
यानी मादे के हरूफ से हट कर हो। सुआदाउ में मादे के हरूफ हैं सीन आइन और दाल, आखिर में अलिफ और हमजा आया सुआदाउ। इसी तरह खुलाफा हो या उलामा हो या उकाला, इन सब में मादे के हरूफ पहले आ गए हैं, आखिर में अलिफ और उसके बाद हमजा आ रहा है। ऐसे जितने भी, और ये भी सारी की सारी जमा है, मताइम भी जमा है और ये सुआदाउ खुलाफा उलामा उकाला रुहमा फुकराउ शुराकाउ, ये सब जमा है, ये जमा भी गैर मुनसरिफ होंगी। और गदबान, ऐसी सिफात जिनके आखिर में अलिफ और नून आ रहा हो वो भी गैर मुनसरिफ होंगी। पहले आया था ऐसे नाम, अब है ऐसी सिफात जिनके आखिर में अलिफ और नून आ रहा हो, जवान ताबान शबान और क्या पड़ा था फरहान, ठीक है। तो इस तरह की आतशान, ये सारी गैर मुनसरिफ होंगी। और मसारीफ, ये वो जमा है जिसके आखिर में एंड पे देखें आप तो हमें अलिफ नजर आ रहा है और अलिफ के बाद तीन हरूफ हैं, मसा अलिफ और उसके बाद रा या और फा, तीन हरूफ हैं और तीन में से दरमियान वाला साकिन आ रहा है, मसारीफ या साकिन है, मसाबीह या साकिन, महारीब मवाकिब। अब इस रूल को समझने की बजाय आप सिर्फ इन लफ्जों के जो पैटर्न्स हैं उनको जहन में रख लें। मसारीफ के पैटर्न पर आने वाली सारी जमा गैर मुनसरिफ हैं, गदबान के पैटर्न पर आने वाली सिफात गैर मुनसरिफ हैं, सुआदाउ और मताइम, ये तीन तीन जमा हैं, मताइम सुआदा और मसारीफ, तीन तरह की जमा गैर मुनसरिफ हैं। और गदबान और अहमद ये दो सिफात हैं, ये गैर मुनसरिफ होंगी। उसके अलावा बाकी सारे नाम हैं, मिस्र हो गया, उमर हो गया, उस्मान वगैरह हो गया, मुआविया मरियम, ये सब गैर मुनसरिफ। सर ये अहमद और उमर का फिर दोबारा जरा समझा दें, अहमद और उमर। अहमद और उमर जो हैं ये दोनों जो अहमद से तो हम यूं समझ सकते हैं इजी है कि जितने भी इस्म तफदील बनेंगे वो सब गैर मुनसरिफ होंगे, चाहे वो नाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हो चाहे वो सिफत के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अहमद जो है उसमें तो वजन है एक के अहमदु अफअलु के पैटर्न पर आने वाले तमाम अस्मा गैर मुनसरिफ हैं। उमरु में हम पैटर्न देख लेंगे, फुआलु का पैटर्न जिस जिस इस्म पर बनेगा हम उसको गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे, इस्म हो और पैटर्न फुआलु बन रहा हो। और वो मैंने बताया कि वो सिर्फ पांच छह नाम है, सिर्फ उमर जुफर हुबल जुहल और मुदर और जुफर, पांच या छह नाम है सिर्फ जो उमर के पैटर्न पर आते हैं पूरी अरबी जुबान में। सर ये लिख दीजिएगा। अच्छा अभी मेरे पास वो नोट पैड नहीं है, दूसरे लेसन के सर ग्रुप में लिख या ग्रुप में लिख दीजिए, चलें ब्रेक के बाद लिख लेंगे। तो कुछ इस्तिस्नाआत आते हैं रफा नसब और जर के मुतालिक, कुछ इस्तिस्नाआत यहाँ पर भी हैं। देखें पहले ये आम इसम से मुस्तस्ना होकर गैर मुनसरिफ हुए थे, लेकिन फिर इनमें भी कुछ खसूसियात आएंगी वो इंशाल्लाह हम बाद में देख लेंगे या जब हम रिवीजन का सेशन करेंगे तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। तो एक क्विक रिवीजन यहाँ पर इन्होंने दिए आई थिंक कि क्यूसी वन में हमने टेबल्स पढ़े थे, कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसारा वरना मार पड़ेगी, बराबा इसलिए सुन लो समिया, ये क्यूसी वन था। क्यूसी टू में हमने कमजोर अफाल पढ़े तीन हरूफ वाले, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, पाला ज्यादा इसलिए दुआ करो हिदायती दा हदा, अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, बनना बल्ला, ये क्यूसी टू था। फिर क्यूसी थ्री में हमने मजीद फी पढ़े, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, कुरान में तदब्बुर कीजिए, आपस में तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इंकिलाब, ये कोर्स थ्री था। फिर हम कोर्स फोर में आए, कोर्स फोर में हमने जो नहव पढ़ी है उस नहव के अंदर हमने पढ़ा फ़िल मुदारे, फ़िल मुदारे में असली हालत है रफा की हालत यफालू यफालूना न, और उसके बाद एक बदली हुई हालत बन सकती है फ़िल मुदारे की जिसको हमने कहा था जज़म की हालत छुरी वाले अल्फाज के साथ, तो यफ़अल यफ़अलू तफ़अल अफ़अल वगैरह, और वो कुछ अल्फाज देखे थे हमने लम लम्मा इन मन मा वगैरह, जब ये किसी भी इसम से पहले फ़िल मुदारे से पहले आते हैं तो उसके आखिर में छुरी वाला अमल करते हैं और जज़म देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको हमने कहा था कि ये हथौड़े वाले अल्फाज हैं, वो फ़िल मुदारे से पहले आते हैं
तो उसके आखिर में नसब का नसब आ जाती है, वो था अन लन ली हत्ता अल्लाह वगैरह। और फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि लाम और नून ताकीद मिलकर मजीद ताकीद वाला माना बन जाता है फिर मुजारे के अंदर। ये था कोर्स फोर। कोर्स फोर में हमने ये पढ़ लिया और फिर उसके बाद हमने कोर्स फोर में मुअन्नस भी पढ़ा, तस्निया भी सीखा, मुअन्नस भी सीखा और मजहूल भी सीखा। ये सारी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। जमा की किस्में सालिम और मुकस्सर देखी, इसम मकान पढ़ा, सिफत तफदील मुबालगा ये सारे हम कर चुके हैं क्यूसी फोर तक। और क्यूसी फाइव के लेसन भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं और इसके साथ हमारा लेसन नंबर 20C मुकम्मल। रिवीजन भी होगी एक क्विक सी, तो इससे तो ये लगता है कि अभी फौरन अगर मैं एक क्विज भेज दूं तो आप लोग रेडी होंगे इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह ट्वेंटी डी को छोड़ देते हैं और ब्रेक के बाद आपको क्विज भेज देते हैं, ठीक है? नो सर। अच्छा चलें तो ब्रेक ले लें जी। अभी बज रहे हैं 7:07 हो रहे हैं, तो वापस हम आएंगे 7:30 पर इंशाल्लाह। سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته। आवाज गूंज रही है? आइए जी शुरू करते हैं आज का दूसरा सबक, सफा नंबर 20 का आखिरी। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है, आ रही है। अच्छा तो जिनको आवाज नहीं आ रही वो कोई एक ब्रदर या सिस्टर मैसेज कर दें चैट पे कि जिनको आवाज नहीं आ रही वो फिर एक दफा रीज्वाइन कर लें। अच्छा जी आइए हमने आयत नंबर 140 मुकम्मल करनी है और 141 यानी पहला पारा हमारा इंशाअल्लाह आज मुकम्मल हो जाएगा। इशारात पे आते हैं। 20वें सफ़े के इशारात हैं, हो जाओ यहूद व नसारा अगर वो ईमान लाएं तुम जैसा तो अल्लाह के बारे में झगड़ा, बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। हो जाओ यहूद व नसारा अगर वो ईमान लाएं तुम जैसा तो अल्लाह के बारे में झगड़ा, बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। मुख्तसर इशारे यहूद व नसारा ईमान झगड़ा बड़ा जालिम, यहूद व नसारा ईमान झगड़ा बड़ा जालिम। तो आखिरी इशारा है बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। गुज़श्ता आयतों में अल्लाह ने अहले किताब से खिताब करते हुए उन्हें हक की तरफ लौटने की दावत दी थी, यहाँ उसी खिताब का अगला हिस्सा बयान किया जा रहा है। और इसमें आने वाली एक आयत तो पूरी की पूरी हम पढ़ चुके हैं और बाकी हिस्सा भी जो है वो हमारे लिए कुछ नया नहीं होने वाला। असबाब देख लें, हक को छुपाना बहुत ही बड़ा जुर्म है, इसलिए हक बात को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। अल्लाह हमारी बातों से और हमारे कामों से गाफिल नहीं है, इसलिए कभी भी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हर इंसान को अपने अमल का जवाब देना है। अगर किसी के अमाल अच्छे ना हों तो उसका आला नस्ल होना उसको कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगा। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं हदीस के तवस्सुल से। सारे अल्फाज हमारे पड़े हुए हैं, कोई भी नया लफ्ज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वन बाय वन एक एक लफ्ज का तर्जुमा मैं बोलता हूँ, आप लोग तर्जुमा करते रहे। वमन वमन और कौन बड़ा जालिम है, ज्यादा जालिम है। वमन अज़लम और कौन ज्यादा जालिम है। मिम्मन कतमा छुपाया उसके अल्लाह की तरफ से यानी जिसने शहादत को छुपाया जो उसके पास है अल्लाह की तरफ से। वमल्लाहु और नहीं अल्लाह है।
بغافلن بے خبر اما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو تلک امتن یہ ایک امت ہے قد خلت جو گزر گئی تمہارے لیے جو تم نے کمایا ولا تسألون نہیں سوال کیے جاؤ گے اما اس کے بارے میں جو ریپیٹ ہے دوسری دفعہ آئیے جی یہ آیت پوری ایز اٹ از دو دفعہ آئیے تلاوت ایک بار سن لیتے ہیں تلاوت کر لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ومن اور کون أظلم بڑا ظالم ہے زیادہ ظالم ہے ممن اس سے جس نے کتم شہادة گواہی کو چھپایا عنده وہ گواہی جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو شہادت یا یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم حق کو چھپا رہے ہو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے پاس جو کتابیں تھیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ان کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں موجود تھیں اور ان نشانیوں کی وجہ سے وہ یہ بات جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس حق کا بیان کرنے کی وجہ اس کو چھپاتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے تمہارے پاس تو تورات و انجیل موجود ہے تم خود اس میں چیک کر لو اور پھر آگے اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ اللہ نہ صرف تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے بلکہ وہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے تو تمہیں اپنی غلط حرکتوں کا انجام بھگتنا ہوگا پڑھیے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے گواہی چھپائی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے وما اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو الحمدللہ اور یہ آیت پہلے گزر بھی چکی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم تلک امت یہ ایک امت تھی قد خلت تحقیق گزر گئی لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا ولا تسألون اور تم سے نہ پوچھا جائے گا عما اس کی بابت اس کے بارے میں جو کانوا یعملون وہ عمل کرتے تھے تو قیامت کے دن تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ حضرت ابراہیم یا حضرت یعقوب کے نیک کاموں کو بیان کرو بتاؤ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا یعقوب نے کیا کیا تھا جب تم کو ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا تو تم یہ بھول جاؤ کہ تمہیں ان کے نیک کاموں کے بارے سے کرنے کی وجہ سے کوئی فائدہ پہنچے گا تمہیں ملے گا وہی جو تم نے کیا تمہیں اسی کا اجر اور ثواب ملے گا جو تم کرو گے یا اسی کی سزا ملے گی جو تم عمل کرو گے نیک کاموں کا اجر مل جائے گا برے کاموں پر سزا مل جائے گی اس آیت کو اللہ نے دوسری بار ذکر فرمایا اس بات پر زور دینے کے لیے کہ کسی کا اعلیٰ نسب ہونا کسی کو بھی اللہ کے پاس اجر و ثواب نہیں دلا سکتا کسی کے خاندان سے کسی کے ساتھ رشتہ داری ہونا
ये कोई ऐसा अल्लाह के यहाँ बात नहीं है कि इसकी वजह से अल्लाह किसी को नवाज दे। दुनिया के मामले में तो उसको किसी खास खानदान से होना कोई फायदा दे सकता है, लेकिन आखिरत में हर कोई अपने कामों का जिम्मेदार होगा। तो शैतान के धोखे में तो हरगिज मत आना चाहिए जो किसी को उसके मुत्तकी और पारसा खानदान या नसब का धोखा देता है। ये हमारे यहाँ है अनफॉर्चुनेटली हम लोगों में भी ये बात बहुत ज्यादा है कि किसी एक खानदान में है तो बस अब अपने आबाओ अजदाद पर फख्र करते रहेंगे, हमारे बाप दादा ऐसे थे और हमारे आबाओ अजदाद ने ये किया और हमने ये किया। पूछा ये जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या अमल है। ये हदीस पहले भी गुजर चुकी, दोबारा से यहाँ जिक्र हुआ है। عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, کہ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا خاندان یعنی نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں ننوری ہے نہ ناری, نسب سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اگر عمل صحیح نہیں ہے تو۔ پڑھی ایک مرتبہ آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تلک امت قد خلت, یہ ایک امت تھی تحقیق گزر گئی ہے, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا, ولا تسألون, اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا, عما کانوا یعملون, اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اسباب پھر سے دیکھیے, حق کو چھپانا بہت ہی بڑا جرم ہے, اللہ تعالیٰ ہماری باتوں سے اور ہمارے کاموں سے غافل نہیں ہے, ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اگر کسی کے اعمال اچھے نہ ہوں تو اس کا اعلیٰ نسل سے ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بہتر انداز میں قرآن کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ یہ ہمارے پاس بھی اللہ کی طرف سے ایک شہادت اور گواہی پہنچی ہے۔ اس شہادت اور گواہی کو دوسروں تک پہنچانا ہم سے بھی یہ ریکوائرڈ ہے, جہاں تک ہمارا بساط ہے, جہاں تک ہم کر سکتے ہیں استطاعت کے مطابق۔ پلان بنایا جائے کہ اللہ نے قرآن میں مختلف گروہوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اپنی عملی زندگی میں اس کو اپلائی کرتے ہوئے لوگوں کو قرآن کی اور دین کی طرف دعوت دیں گے۔ اظلم, یہ ظالم سے اظلم, اس کو تفضیل آیا, زیادہ ظلم کرنے والا۔ شہادت گواہی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع شہادات, شہادت کی جمع شہادات گواہی۔ امت واحد ہے, اس کی جمع کیا آئے گی؟ امامن. اور افعال میں کتما کون سا پیٹرن بنے گا؟ نون والا کتما یکتم, کتما یکتم, کتما یکتم, کاتم مکتوم, کتمان چھپانا, کتما اس نے چھپایا۔ شہادتن مستر بھی ہے یہ, تو اس سے ٹیبل کون سے پیٹرن پر بنے گا؟ گواہی دینا, تو اس سے شہید آتا ہے, شہیدہ سے شہید آتا ہے۔ تو شہید کو ہم پھر کیا کہیں گے؟ یہ صفت ہوگا, صفت کیوں ہوگا؟ نو سر, مبالغہ ہوگا, کیونکہ یہ وہ مبالغہ ہوگا, جی سر مبالغہ, مبالغہ ہوگا کیونکہ یہ شہیدہ متعدی ہے, اس لیے اس سے آنے والا جو شہید ہے وہ مبالغہ ہوگا جب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہو رہا ہو۔ بغافل, یہ غافل اس میں فاعل ہے, تو اس کا ٹیبل کیا بنے گا؟ غفل, مغفول, غفلتن, بے خبر ہونا, غفلا وہ بے خبر ہوا, اور تعملون تو عملا یا عملو سے آ گیا۔ کون سا بنے گا؟
ये नूर मोहम्मद साहब आपका कोई क्वेश्चन है? ये जालिम की जमा जालिमून भी हो सकती है सर। जालिम की जमा तो जालिमून ही होगी, अजलम जमा नहीं है, अजलम इसमें तफदील है इसका। ठीक 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 है ठीक है। उसके साथ एरो बना हुआ ऊपर की तरफ वाला, वो यही बता रहा है कि ये इसमें तफदील है। ठीक ठीक है जी। अच्छा जी, कमजोर अफाल में से आया खलत, कौन से पैटर्न पे आएगा? तो इस तो दायदु हो या खला या खलू, मेन बाब कौन सा बनेगा? नसर। खला या खलू, उखलू, खालिन, मखलूफुन और खलूफुन, गुजर जाना। तुसअलूना, ये सबसे पहले ये बताएं कि ये कौन सी फॉर्म आ रही है, मालूम मजहूल? मजहूल है, मजहूल है। तो इसका मालूम क्या होगा? तो सालूना है, तो ये क्या होगा? तस अलूना। तो पैटर्न कौन सा है? ताला यस अलू सल, साइलुन मसूलुन सुआलुन, पूछना। साला उसने पूछा, और मजीद फी नहीं है इसमें। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप गैर मुनसरिफ कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे? अज़लमू गैर मुनसरिफ इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से आपने पहचानना है जो अभी गैर मुनसरिफ देखा। अच्छा, तिल का उम्मतुन इशारे वाली जोड़ी है? अल नहीं लगा हुआ, अल नहीं है। सर जी, इसके थी या है से फर्क पड़ता है? जब हमने पीछे ये पढ़ी थी ना आयम बार का, उसमें पढ़ा था ये उम्मत है, और यहाँ हमने पढ़ा ये उम्मत थी, इसे फर्क पड़ता है कि माना? ये ब्रैकेट में है ना, खास फर्क नहीं है, दोनों का मतलब कॉन्टेक्स्ट वाइज तर्जुमा उर्दू में हो रहा है ना। अब यहाँ पर समझे, एक तरह से एक टॉपिक को क्लोज किया जा रहा है, आगे दूसरा पारा शुरू हो रहा है ना, तो वो एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, सयकूल सुफाओ में वातावील क़िबला की बातें शुरू हो जाएंगी। तो ये पूरी सारी बात करने के बाद एक मरतबा फिर से कहा, तो ये सारे जो है ये गुजर चुके हैं। ठीक है, तो थी या है का तर्जुमा जो है वो दोनों तरह से कॉन्टेक्स्ट वाइज कहीं ना कहीं चेंज कर लिया जाता है उर्दू में। ठीक हो गया। अच्छा जी, कतम शहादतन कौन सा जुमला बन रहा है? जुमला फेल है, तो इसमें बताएं जरा फेल, फाइल और मफूल क्या है? शहादतन मफूल है। ठीक हो गया। और बाकी चले और तो कुछ है नहीं। तुस अलूना के लिए नायबुल फाइल आएगा, ये हमने बात की है। नायबुल फाइल की आपने कुछ ये बात की तो ये सर आपने की पीछे पीछे एक दफा आपने बताया था। अच्छा, चले अभी ग्रामर में हम थोड़ा सा एक रिवीजन ही है हमारी, तो उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके साथ हमारा ये लेसन मुकम्मल हो गया है। यहाँ तक किसी की कोई बात? जी नवीद साहब। अरे एक छोटा सा सवाल है, ये मिम मन के दो बेसिकली इसके पार्ट्स होंगे ना? जी दो होंगे, मिन और मन। मिन और मन ठीक हो गया जी। जी आदिल साहब। साहब ये इन द हु में जो हु की जमीर है, ये से पता चलता है कि ये शहादा की तरफ पॉइंट कर रही है या जो कतमा है आया है छुपाने का अमल उसके पास है या शहादत उसके पास है, मतलब ये किस किस को पॉइंट कर रही है, ये कैसे पता चलता? मन को
मन कतम शहादतन इंदहू, जिसने छुपाई शहादत जो उसके पास है। तो शहादत किसके पास है? उस शख्स के पास है। सर इसकी बात शुरू में की गई, वो इससे बड़ा जालिम कौन है, उसके बारे में सारी बात हुई। कोई शुरू से जो चल रहा है, मन अजलम, मन अजलम वाला मन नहीं, मन कतम शहादतन वाली बात उस मन की तरफ जा रही है। सर ये पीछे से जुमला नहीं चला आ रहा कि कौन बड़ा वो मतलब बड़ा जालिम है जो शहादत। एक्चुअली है वो दोनों मन से मुराद एक ही है, लेकिन जब हम अल्फाज को अटैच करते हैं ना कि यहाँ पर ये ज़मीर किसके लिए है, तो वो करीब तरीन के तरफ जाएंगे। मिम्मन सर आपने वो अभी नाइफ फाइल की बात की थी ना, तो वो आपने पढ़ाया था ना कि फेल मजहूल का जो फाइल होता है वो नाइफ फाइल होता है और वो रफा की हालत में आता है, ये बताया था आपने। ये बात की थी हमने कि फेल मजहूल में फाइल का पता नहीं होता, तो जो मफूल होता है उसको फाइल की जगह पर लेकर उसको नाइबुल फाइल कह देते हैं, और ये बात शायद नहीं हुई थी कि वो भी रफा की हालत में होता है, या हुई थी? सर हुई थी, लिखवाया था आपने, वैसे लिखा हुआ मैंने। अभी एक दफा दोबारा हम इसको, अगला जो हमारा ग्रामर वाला हिस्सा है उसमें सारा एक दफा हमने रिवाइज ही करना है, तो इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये बात नोट करने वाली है कि जब भी ये कोई जमीर आती है प्रोनाउन, तो इसको हमने पीछे किसी की तरफ रेफर करना होता है कि ये इस जमीर से मुराद कौन है, तो मुराद जो है वो करीब तरीन वाले को मुराद में जो है वो लिया जाता है आमतौर पर, अनलेस के कोई खास जो है वो एक उसलूब इख्तियार किया गया हो कि करीब वाले को छोड़कर किसी दूर वाले को लिया जाए, कोई खास मफहूम हो, अदरवाइज जो करीब तरीन है। तो यहाँ आइंदा हु में जो हु है इसके लिए हम कहेंगे कि ये मन कतमा में जो मन आ रहा है उसकी तरफ जा रही है, उसकी बात कर रहे हैं। एक और उससे भी आगे जाए अगर अल्टीमेटली हम देखें तो मन अजलमु में जो मन है वो मन, और मिम मन कतम शहादतन का मन, दोनों से मुराद एक ही है। ठीक है, तो जी सर ये जालिमुन का जो अजलमा जमा लिखा हुआ है, अगर इसमें दो ऑप्शंस आ जाती हैं तो फिर हम किसको करेंगे? इसमें अजलम भी लिखा हुआ है जो इसमें अभी मैंने यही बात की कि अजलम जमा नहीं है, ये इसमें तफदील है, लेकिन अस्मा में सर इसको जमा में लिखा हुआ है। नहीं, वो साथ एक एरो दिया हुआ है ना जी, तो वो एरो इसी बात की अलामत है कि ये जमा नहीं है, जहां जमा होगी वहां प्लस का निशान होगा। अच्छा, तो सर ये आप जालिमुना लिखेंगे, ये बता रहा है कि ये इसमें तफदील है, ये जमा नहीं है, आप अपने पास नोट कर लें, अगर आपके पास क्विज में आ भी जाता है तो अजलमु को कभी भी किसी ने भी जमा नहीं कहा है, ये इसमें तफदील ही होगा। और सर फिर इसका जमा क्या होगा? जमा जालिमून, जालिमीन, जालिमूना, जालिमीन। सर ये क्विज में आ भी चुका है सवाल हमारे, ये क्विज में तफसील का ही आया था ना, वो हसन का, हसन जो आया था जी, इसका इसम तफसील बताएं, ऐसे सवाल आया जी, इसम तफसील का आ चुका ये सवाल ने किया है। तो अब मजीद इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी, पहले दो मिनट दीजिए, मैं वो नोट पैड ले लूं ताकि कुछ लिखना पड़े अगर ग्रामर की रिवीजन में तो हम उसको लिख सकें। जी गुलाम मुर्तजा साहब, आपका क्वेश्चन है कोई? जी सर, सर ये बुक में जो ग्रामर का पार्ट है इसमें रफा, नसब और जार इनकी अलामतें लिखी है, रफा ऊपर की तरफ ठीक है, ये नसब और जार जो है ना ये आई थिंक उल्ट लिखी हुई है टेक्स्ट बुक में, यानी कि नसब जो है लेफ्ट की तरफ है और जार चूंकि नीचे की तरफ होता है ये उसका निशान उसके नीचे है, ऐसा टेक्स्ट बुक में सर। जी सर, ग्रामर आजा G20D। ओ ऊपर जो लिखी हुई है उसमें जो है ना वो गलती है, लेकिन जो नीचे अप्लाई किया हुआ है वो ठीक है। थैंक यू जी सर, मैं सर इसको करेक्ट कर लेता हूँ। थैंक यू सर जी, इसको करेक्शन कर लें जी, पेज नंबर 88 पर ऊपर तीसरी लाइन में लिखी हुई है रफा ऊंची हालत, ये सही है, नसब मुतवस्सित हालत जो है, इसके नीचे जो साइन है ये कमतर हालत वाला है यानी जर वाला,
और जर के नीचे जो साइन है वो लगा हुआ है नसब वाला, तो इसको एरो बनाकर आप लोग दुरुस्तगी कर लें। थैंक यू सर। अच्छा जी, तो हमने अदा करना है ग्रामर का। हमने पढ़नी शुरू की थी क्यूसी फोर से, सर्फ और नहव दोनों को हमने लिया था। सर्फ किसको कहते हैं? क्योंकि ये आदा है तो अब मैं चाहूंगा ज्यादा आप लोग बोलें। सर्फ किसको कहते हैं? मादे के रूप से अल्फाज बनाना। वो अल्फाज फेल भी हो सकते हैं और अस्मा भी हो सकते हैं, ठीक है। और नहव किसको कहते हैं? अल्फाज से मिलाकर जोड़ियां बनाना, अल्फाज से जुमले बनाना, या पहले जोड़ियां लेकर फिर कुछ मजीद अल्फाज मिलाकर जुमले बनाना। और नहव में एक खुसूसी बात क्या होती है कि लफ्ज की एंडिंग समझा जाता है, हालत को समझते हैं। ये सर्फ और नहव है। तो अस्मा की असली हालत रफा की हालत कहलाती है। वाहिद में ये होगा मुस्लिमुन, जमा में मुस्लिमूना, मुस्लिमुन मुस्लिमूना। नसब की हालत में मुस्लिमन मुस्लिमीना, जर की हालत मुस्लिमिन मुस्लिमीना। अब ये मुस्लिमीना और मुस्लिमीना दोनों एक जैसे आ रही हैं, तो दोनों को पहचानने के लिए हम सब क्लियर हैं इस बात पर कि हम उसके पीछे जाकर देखेंगे कि इसकी वजह क्या बन सकती है। जर की वजूहात को पहले देख लेंगे क्योंकि वो सिर्फ दो हैं, जबकि नसब की वजूहात ज्यादा है, तो उस पर हम बाद में जाएंगे, ठीक है। हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि मुस्लिमीना मोमिनीना काफिरीना मुत्तकीना इस तरह के अल्फाज आए हुए हैं या नून के साथ, तो हम उसमें बैक देखेंगे कि ये जर की कोई वजह नजर आ रही है या नहीं। अगर तो जर की कोई वजह नजर आ रही हो तो हम उसको जर ले लेंगे, और अगर जर की वजह नहीं है तो फिर हम उसको नसब में ले लेंगे। अच्छा जी, मोनस में भी हम देखेंगे तो मोनस में मुस्लिमतुन सिंगुलर और मुस्लिमातुन, मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन रफा, मुस्लिमतन और मुस्लिमातिन नसब, और मुस्लिमतिन और मुस्लिमातिन जर। मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन मुस्लिमतन मुस्लिमातिन मुस्लिमतिन और मुस्लिमातिन। तो यहाँ भी वही सिचुएशन आ जाएगी कि मुस्लिमातिन नसब है और नसब है या जर है, तो इधर भी हमने पीछे को देखना है कि हम इसको कैसे समझते हैं। फिर हमने पढ़े अस्माए खमसा, कुछ स्पेशल अल्फाज पढ़े हैं जिन अल्फाज के जो है वो आखिर में आने वाली जो तब्दीलियां हैं हालत की वजह से वो पेश जबर और जेर से नहीं आ रही होती बल्कि कुछ और वजह। उसमें एक था अस्माए खमसा, वहां हमने पढ़ा रफा होगा अबू नसब अबा और जर अबी, अबू अबा और अबी। इनके बारे में कुछ शराइत पड़ी थी, कोई बताएगा अस्माए खमसा के बारे में क्या क्या शराइत पड़ी थी? किसी के जहन में हो? मुफ़रद होंगे, एक तो ये मुफ़रद होंगे, बिल्कुल जमा नहीं होंगे, ताल्लुक की जोड़ी का पहला इस्म बन रहे हैं, ताल्लुक की जोड़ी का पहला इस्म बन रहे हैं, ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इस्म या नहीं होगा। जब ये तीन शराइत पाई जाएंगी कि ये मुफ़रद हो जमा ना हो, ताल्लुक की जोड़ी में पहला इसम हो और दूसरा इसम या ना हो, तो इन तीन शरायत के पाने की सूरत पाए जाने की सूरत में रफा अबू नसब अबा और जर अबी वाव अलिफ और या के साथ आएगा, रफा नसब और जर। फिर आज हमने पढ़ा गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ कुछ खास किस्म के अल्फाज हैं, माविया मरियम और इब्राहिम उस्मान अफान और उमर मिस्र ये कुछ इस तरह के हमने अल्फाज पढ़े हैं। इन पैटर्न्स पर आने वाले अल्फाज जिसकी थोड़ी सी डिटेल बताई है वो कौन सी है? मुआविया से मुराद मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोलता आती है, मरियम से मुराद खवातीन के तमाम नाम, इब्राहिम से मुराद अम्बिया के नाम,
दूसरी जुबान के ऐसे नाम जो अरबी में एज इट इज यूज हो रहे हैं, चेंज नहीं होते, ठीक है। और उस्मान में ऐसे नाम जिनके आखिर में आन आ रहा हो, अलिफ नून आ रहा हो, और उमरों से मुराद ऐसे नाम जो इस खास पैटर्न पर हो, के वजन पर आने वाले अस्मा, मिस्र यानी मुल्कों और शहरों के नाम, और उसके बाद हमने देखा कि मताइम जिनके आखिर में इसम जमान और इसम मकान की जमा, ऐसी सिफात जिनके आखिर में आनी आ रहा हो जैसे आदशान गदवान वगैरह, और मसारीफ यानी ऐसी जमा जिसके आखिर में अलिफ और उसके बाद तीन हरूफ आ रहे हो, मसारीफ मकातीब मसाबीह वगैरह, ये गैर मुनसरिफ हैं। और इनका हुक्म क्या है कि इनका रफा पेश के साथ होगा, नसब जबर के साथ और जर भी जबर के साथ आएगी, ठीक हो गया। एक और खसूसियत इनकी ये है कि इनके ऊपर तनवीन नहीं पड़ी जा सकती, गैर मुनसरिफ पर तनवीन यानी डबल हरकत नहीं पड़ी जा सकती, और जर की हालत भी जबर के साथ शो की जाती है। फिर हमने पढ़ा है एक मबनी, इसको हमने नाम नहीं लिया था मबनी का, लेकिन हम बात कर चुके हैं वैसे इशारे वाले अल्फाज या जमीरों के बारे में, हमने कहा था कि ये किसी भी हालत में आए तो ये अपनी शक्ल चेंज नहीं करते, हुआ हर हाल में हुआ ही रहेगा, ठीक है। अंता हमेशा अंता ही रहेगा, हाजा हमेशा हमें हाजा लिखा हुआ ही नजर आएगा, हमने मिसालें देखी थी जा हाजा, तो यहाँ पर हाजा फाइल बन रहा है, रफा की हालत है, और रा जैदुन हाजा, तो यहाँ पर हाजा नसब की हालत में क्योंकि मफूल है, समय तो मिन हाजा, यहाँ मिन हरफ जर के बाद हाजा आया जर की हालत में, लेकिन हाजा 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 तीनों जगहों पर शक्ल और जाहिरी हालत की सूरत चेंज नहीं हुई है। और इस तरह के ऐसे असमा जो आखिरी एंडिंग्स के बदलने यानी हालत तो बदल जाती है लेकिन शक्ल नहीं बदलती, ये दो चीजें जो है ना समझने वाली हैं। एक ये है कि मैं कह रहा हूँ हालत बदल जाती है यानी उनका रोल चेंज हो रहा है, कभी वो फाइल बन रहे हैं, कभी वो मफूल बन रहे हैं, कभी वो हरफ जर के बाद आ रहे हैं, तो ये हालत चेंज होना है, लेकिन शक्ल चेंज नहीं हो रही यानी जाहिरी तौर पर हमें उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। जालिका रफा की हालत में भी जालिका है, नसब की हालत में भी जालिका, जर की हालत में भी जालिका, तो हालतें तो चेंज हो रही हैं रफा नसब जर, हम ये तो कहेंगे कि जालिका यहाँ रफा की हालत में है, लेकिन रफा की अलामत में कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी, वो हमेशा उसी तरह से रहेगा। तो ऐसे असमा जो हालत बदलने के बावजूद जाहिरी तौर पर कोई चेंज ना कबूल करें उनको कहा जाता है मबनी, उनको क्या कहा जाता है मबनीयुन। तो मबनीयुन अगर मैं इस लफ्ज की सर्फ के बारे में पूछूं मबनीयुन तो ये कौन सा लफ्ज बनता है, सीगा क्या बनेगा मबनीयुन, इस तरह का टेबल्स में हमने कहां पढ़ा है बिना कुछ इस तरह का शायद था नहीं मबनीयुन की तरह मुअल्लिम मुअल्लिम उनके तो शुरू में मीम पर पेश है, ये मीम पर जबर है मबनीयुन जी महदीयुन महदीयुन मबनीयुन महदीयुन महदीयुन क्या बना था इसमें मफ़ूल मफ़ूल था तो मबनीयुन भी इसमें मफ़ूल होगा। तो फिर चाबियां अगर बनाने की कोशिश करें तो हदा या हदी के पैटर्न पर कैसे बनेगी बना यबनी और बिनाउ तो बना का माना होता है उसने बुनियाद रखी, उसने बुनियाद रखी या उसने बनाया, दोनों माने उसने बनाया या उसने बुनियाद रखी, तो बानिन बुनियाद रखने वाला मबनीयुन जो जिसकी बुनियाद रखी जाए, तो मुराद ये है कि ये अपनी बुनियाद पर कायम है, ऐसे असमा जो अपनी असल बनावट पर कायम रहते हैं कोई शक्ल में तब्दीली नहीं आती। हाजा जैसे एक दफा बन गया तो बस अब हाजा हाजा ही रहेगा, ये कभी हाजे नहीं हो जाएगा, हाजी नहीं हो जाएगा, हाजू नहीं हो जाएगा, हाजा ही रहेगा हर हाल में,
यानी अपनी बिना और अपनी बुनियाद पर कायम रहने वाले असमा को कहा जाता है कि ये मबनी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी सर। और इसमें काफी सारे असमा आते हैं, लेकिन अभी तक जो हमने देखे उनमें दो चीजें समझने, एक है असमाए इशारा और इसमें जमीर औलाए जालिका और जमीरें, जितनी भी प्रो नाउन्स हैं वो सब के सब मबनी है, उनमें कोई चीज नहीं आता। इसमें मौसूलों को भी हम ले सकते हैं, असमाए मौसूला और असमाए इशारा। चलें, असमाए मौसूला हमने पढ़े हैं सारे, कौन कौन से पढ़े हैं? अल्लज़ी अल्लाती और इनके डुअल्स भी हैं, तो डुअल्स जो आएंगे वो मबनी नहीं है, वो मौरब है। ठीक है, जो इधर में लिखा और सर ये मारफा भी होते हैं? जी मारफा होते हैं, ये हमेशा मारफा होते हैं। इसमें देखिए, इसमें आएगा जमीरें तो सारी मबनी हैं, और इशारे के अल्फाज देख लेते हैं। इशारे में है हाजा, और इसका डुअल क्या था? और हाउलाई और अपने माइक्स बंद कर लें प्लीज। अच्छा जी, इसी तरह मोनस होगा तो मोनस के लिए हाजी ही आतानी और हा उलाई, यहाँ पर भी यही रहेगा। जालिका, इसका हम पढ़ा है जानिका और उलाई का। तिलका और यह आएगा तानिका और उलाई का, ये हो गया। अब ये जो डुअल वाला हिस्सा है ये मौरब है, यानी ये हाजानी है, रफा की हालत में हाजानी, नसब में ये हाजैनी हो जाएगा, तस्निया का जिस तरह हमने पढ़ा कि वलदानी और वलदैनी हो जाएगा, वालिदानी और वालिदैनी, तो ये चेंज हो जाएगा, वाहिद और जमा वाले चेंज नहीं होते। ठीक हो गया, असमाए इशारा में वाहिद और जमा ये मबनी है, लेकिन जो डुअल के लिए आ रहे हैं वो मोरब है। सर मोरब लिख के बता दें। मोरबुन, इसको बताएं जरा, मोरबुन कौन सा पैटर्न है? मोरबुन कौन सा पैटर्न है? मोरबुन तो अरबा का क्या माना होगा फिर? अरबा एराब से है, अरबा उसने एराब लगाया, उसने एराब लगाया, तो मोहरब एराब लगाने वाला, मोहरब जिस पर एराब लगा है, तो मतलब क्या हुआ कि इस पर एराब चेंज हो जाता है तो ये मोहरब है। ठीक हो गया, और वो है मबनीयुन कि अपनी बुनियाद पर कायम है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है सर जी, इसमें जैसे अभी हातानी, इससे भी आ जाएगी चेंज होगा, हातैनी आ जाएगा जी, रानिका से रईनिका हो जाएगा, तानिका से तैनिका हो जाएगा। ठीक है, ये अगरचे आपसे इस तरह का कोई सवाल नहीं किया जाएगा, लेकिन आपके जहन में वायरल रहना चाहिए कि इसमें जो अस्माए इशारा में डुअल वाले हैं ये मौरब होंगे, बाकी सब मबनी। इसी तरह हमने पढ़ा जो अल्लज़ी वगैरह, अल्लज़ी और अल्लती, और अल्लज़ी की जमा क्या थी? अल्लज़ीना और अल्लती की जमा अल्लाती, एक और भी आती है बहरहाल अल्लाती ज्यादा यूज होती है, और इनका अल्लज़ी का तस्निया आएगा अल्लदानी, और अल्लती का अल्लतानी। तो ये दोनों भी मोरब हैं, अल्लदानी और अल्लतानी, डुअल वाले जो हैं ये मोरब हैं, वाहिद और जमा ये मबनी है।
ठीक है, या लदानी से अल्लादैनी हो जाएगा, कुरान में इस्तेमाल हुआ है, वकाल लजीना कफरु रब्बना अरिना अल्लादैनी अदल्लाना, काफिर कहेंगे कि ए अल्लाह हमें वो दोनों दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया, अल्लादैनी अदल्लाना, ठीक है, और अल्लातानी से भी अल्लातैनी हो जाएगा तस्निया के एराब की तरह। आगे चलते हैं स्लाइड्स पर, तो देखें अस्माए खमसा में हमें एराब नजर आया के रफा ये वाव अलिफ और या के साथ आ रही है, यहाँ पर वाव है, यहाँ अलिफ, यहाँ या। इब्राहिम में पेश, पेश को क्या नाम देते हैं, मैंने बताया था दम्मा, और जबर को कहते हैं फतहा, और जेर को कहते हैं कसरा, तो लेकिन यहाँ गैर मुनसरिफ है तो यहाँ भी फतहा ही रहेगा। अच्छा, इसको हम कहेंगे यहाँ पर इसका एराब कैसे है, इसको हम सिंपली कह देंगे कि ये मबनी है लेकिन हालत रफा में है, हालत नसब में, हालत जर में, दैट्स इट, बस इसको कहने की जरूरत नहीं है कि इसका दम्मा किधर गया या फतहा या जेर जबर कहाँ है, क्यों नहीं, सिंपली कह देंगे हाजा ये मबनी है लेकिन हालत रफा में है, हाजा मबनी है हालत नसब में है, हाजा मबनी है हालत जर में। अच्छा, ये है मूसा, यानी ऐसे अस्मा जिनके आखिर में कड़ी जबर पड़ रहे हैं, इसमें एराब जो है वो छुपा हुआ है, छुपा हुआ से क्या मुराद है, होना तो चाहिए था लेकिन नजर नहीं आ रहा, अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है, महजूफ है, इसके लिए मुख्तलिफ नाम यूज किए जाते हैं, छुपा हुआ सबसे आसान समझने के लिए कि असल में हम इसको कह सकते हैं कि ये मूसा असल में मूसायु, यहाँ पर जो दम्मा है वो छुप गया है, इधर मूसाया था, यहाँ पर फतहा छुप गया है, और इधर मूसायी था, यहाँ जेर छुप गई है, ठीक है, जाहिरी हालत जो है वो तीनों सूरतों में हमें एक ही नजर आ रही है, मूसा मूसा और मूसा, हमें कोई भी जाहिरी सूरत में तब्दीली नजर नहीं आ रही, मूसा 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 रफा की हालत में भी मूसा है, नसब में भी मूसा है, जर में भी मूसा है, हम इसको कहेंगे कि यहाँ रफा वाली हालत में छुपा हुआ है क्या, दम्मा छुपा हुआ है, नसब वाली हालत में फतहा छुपा हुआ है, और जर वाली हालत में कसरा छुपा, सोच लें कसरा छुपा हुआ है या फतहा, फतह छुपा हुआ है, अंबिया का नाम है, हाँ जी माशाल्लाह, अंबिया के नाम है, अंबिया के नाम जो है वो गैर मुनसरिफ होते हैं, यहाँ पर भी फतहा ही छुपा हुआ है, और छह नाम बताए थे कि जो गैर मुनसरिफ नहीं है अंबिया के, कौन कौन से, मोहम्मद, मोहम्मद, नूह, हूद, लूत, सालेह और शायब, मोहम्मद, नूह, लूत, हूद, सालेह और शायब, ये छह नाम हैं अंबिया के जो मुनसरिफ हैं, बाकी तमाम अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ हैं, तो मूसा भी बाकी तमाम में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि जब मूसा जर की हालत में है तो इसमें कसरा छुपा हुआ नहीं है बल्कि फतहा छुपा हुआ है, क्योंकि गैर मुनसरिफ में कसरा नहीं होता, ठीक है, आगे चलें, आगे तो आई थिंक मजीद कुछ है नहीं, यह है, अच्छा चलें, ये अब तो आगे वो रिवीजन, चार किस्म के हमने जुमले पढ़े हैं इस कोर्स में, जुमला इस्मिया अल्लाह गफूर, इन्ना वाला जुमला इन्ना अल्लाह गफूर, काना वाला जुमला कान अल्लाह गफूर, जुमला फेलिया खलक अल्लाह, जुमला इस्मिया में दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा के बारे में हमने क्या बात पढ़ी, मुब्तदा कैसा होगा, आमतौर पर मारफा, आमतौर पर मारफा होगा, और खबर आमतौर पर नकरा होगा, नकरा होगी, नकरा होगी, नकरा होगी, की हालतें क्या होंगी, दोनों की हालतें रफा होंगी, इन्ना वाले जुमले में क्या खास बात थी, इन्ना कौन से जुमले पर आता है, इस्मिया पे, इस्मिया से पहले आएगा इन्ना, तो जब इस्मिया से पहले आएगा तो मुब्तदा को क्या कहेंगे फिर,
इन्ना की खबर बन जाएगी। इन्ना का इसम किस हालत में होगा? हालत नस्ब में, नस्ब की हालत में। और इन्ना की खबर रफा की हालत, हालत रफा में होगा। काना कौन से जुमले पर आएगा? जुमला जुमले में इस्मिया पर ही बन जाएगा फेलिया, बन जाएगा काना आएगा जुमला इस्मिया पर ही, लेकिन वो जुमला फेलिया बन जाएगा बाद में। तो काना का इसम क्या बनेगा? तो किस हालत में होगा? रफा की हालत, रफा की हालत में। और काना की खबर नसब की हालत में। जुमला फेलिया में वो फेल, जुमला फेलिया वो जुमला है जो फेल से शुरू होता है, उसके बाद एक फाइल होगा जो काम करने वाला होगा यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस हालत में होगा? रफा की हालत, रफा की हालत। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नसब की हालत में आ जाएगा। ये चार जुमले हो गए। चार हमने जोड़ियां पढ़ी थी, जार और मजरूर की जोड़ी। इसमें हमने क्या खास बात पढ़ी थी? पहचान क्या जार और मजरूर की जोड़ी की? इससे पहले हर पे जर आएगा और उसके बाद इसम, तो ये जार मजरूर की जोड़ी बन जाएगी। दूसरी जोड़ी हमने पढ़ी सिफत वाली, इसकी पहचान क्या थी? चार पहलुओं में मुताबिकत हो रही होगी। और हालत, एक्सेप्शन भी थी, एराब या हालत एक ही बात है। कोई एक्सेप्शन भी थी इसमें? सिफत वाली जोड़ी में कोई एक्सेप्शन थी सर? अगर इसमें ज़मायर आ जाए जमा मुकस्सर वाली, जी जमा मुकस्सर वाली एक्सेप्शन क्या है? कि दो में मुताबिकत होना पे जरूरी नहीं होगी, वाहिद मुअन्नस आ जाएगी। अच्छा जी, और इशारा, इशारे वाली जोड़ी में हमने क्या पढ़ा है? कि अस्माए इशारा आएंगे और अस्माए इशारा के बाद अल वाला इसम होगा, अल वाला इसम आएगा। ठीक है, मारफा, और मारफा नहीं, ये बार बार मैंने दोहराया, मारफा नहीं, अल वाला होना जरूरी है, अल वाला होना जरूरी है। नहीं, मारिफा वो होता है, देखें अल वाला इसम भी मारिफा बन जाता है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि इसमें इशारा के बाद कोई भी मारिफा आने की वजह से इशारे की जोड़ी बनती है, तो मैं एक बोलता हूँ तिल का जालिका मुहम्मदुन, तो क्या ये इशारे की जोड़ी बनेगी? नो सर, नहीं बनेगी। हालांकि मोहम्मद मारिफा है या नहीं? मारिफा है, तो इशारे की जोड़ी तभी बनेगी जब बाद वाला इसम अल के साथ आ रहा होगा। अल के बगैर अगर हो, बेशक वो मारिफा है, वो इशारे की जोड़ी नहीं बनाएगी, वो इशारे की जोड़ी नहीं होगी, वो जुमला इसमें हो जाएगा, वो जुमला इसमें। ठीक है जी, और यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन पाई जाएगी जैसे सिफत वाली जोड़ी में पाई जा रही थी, और वही बाकी रूल्स उसी तरह आएंगे कि जमा मुकसर के लिए वाहिद मुअन्नस वाला इशारा इस्तेमाल हो जाएगा। और चौथी जोड़ी थी ताल्लुक वाली जोड़ी, और सवाल इनके ज़हन में रखें, आपको जो क्विज वगैरह आएगा तो उसमें इन सवालों के हवाले से ही पूछा जाएगा कि कैसा का जवाब क्या है, किसका का जवाब क्या है, कौन सा का जवाब क्या है, इस तरह से आपका सवाल आ सकता है। तो ताल्लुक वाली जोड़ी में हमने क्या पढ़ी थी शरायत? एंडिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन दूसरा हमेशा जर की हालत में रहेगा। जमा सालिम मुज़क्कर और तस्निया में नून ड्रॉप हो जाएगा, जमा सालिम और तस्निया में नून ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हो गया फिल अर्दी,
जर की हालतें हमने दो ही पढ़ी हैं, जर की हालतें कौन कौन सी हैं, हर्फ जर के बाद और ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा हिस्सा, ये दो वजूहात हैं। इसके अलावा एक सूरत और आ सकती है जर वाली, और वो कौन सी है? जमा मुअन्नस वाली नहीं, जमा मुअन्नस वाली वो जर नहीं है। देखें ये दोनों है, मतलब फिल अर्दी है, तो अगर मैंने कहना फिल अर्दिल मुकद्दसती, तो अल मुकद्दसती पे जो जर आ रही है वो क्यों आ रही है? तो अर्दी से की वजह से, सिफत की वजह से, सिफत की वजह से ना, फिल अर्दिल मुकद्द, तो सिफत ये भी तो हो सकता है कि ये जो मजरूर आ रहा है हर पे जर के बाद, इसकी आगे सिफत आ रही हो, तो अगर सिफत से पहले आने वाला इसम यानी फिल अर्दिल मुकद्दसती लिखा हुआ है तो ये कितनी जोड़ियां बनेंगी? जर की वजह क्या है? जो इसका हालत है वही इसने भी ले ली। तो ये एक हम कह सकते हैं कि असली वजह नहीं है, ये एक किसी दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड होकर आएगी, तो जो पीछे वाले का होगा सिफत की जोड़ी में जो मौसूफ के हालत होगी वही सिफत की भी बन जाएगी। इसमें भी अल जो है वो बारफा नहीं है सर, अल अल अर्द, यहाँ पर तो दोनों हो सकते हैं, यहाँ पर या अल होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप अर्दिन मुकद्दसतिन भी कह सकते हैं, ठीक है। वो अल वाली खसूसियत और जो लाजमी होना है वो सिर्फ इशारे वाली जोड़ी में, जालिका वाले दालिका वाले में। तो ये जो है उसके बाद नसब की वजूहात बताई हुई है, इस्म की हालतें, नसब की हालतें, और अल्लाहु गफूरुन रफा की हालत, दो हालतें रफा की, कितनी हालतें हो सकती हैं? एक हमने पढ़ी मुब्तदा रफा की हालत में होगा, खबर रफा की हालत में होगी, इन्ना की खबर रफा की हालत में होगी, और छठी सूरत हम ले सकते हैं या उसको पांचवी के साथ ही लिंक रखें कि फाइल या नायबुल फाइल, दोनों रफा की हालत में, ठीक है। नसब की वजूहात हमने पढ़ी, इन्ना का इसम इसको काना की खबर, किसको ज़िक्रतुल्लाहा, मैंने याद किया किसको? अल्लाह, ज़िक्रम इसमें क्या था? ताकीद, क्या वही या ताकीद का जवाब, क्यों का जवाब, काम क्यों किया, ताअतन कब किया, सुबह के वक्त, सबाहन कहाँ किया, कहाँ का जवाब दी, खल्फल इमाम नसब की हालत में, किस हालत में किया, कैफियत क्या थी, जाहिरी तौर पर हो या अंदरूनी, आइदन और फाइफन। फिर या रब्बल आलमीना, यहाँ पर क्या चीज थी? मुनादा मुजाफ, मुनादा मुजाफ यानी ताल्लुक की जोड़ी में आने वाला कोई इसम हो जिसको पुकार रहे हो, तो या रब्बल आलमी। फिर इग़फिरली अंत खैरुन गाफिरन, ये गाफिरन नसब की हालत में आया है, क्यों? क्योंकि ये तमयीज कर रहा है पिछले वाले जुमले में पाए जाने वाले इबहाम को और कन्फ्यूजन को दूर कर रहा है, ठीक है। और अन्नल्लाह गफूरन तो हो गया ये इन्ना वगैरह का इसम, कानल्लाह गफूरन ये काना वगैरह की खबर, और ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या चीज थी? पूरी जिन्स की नफी करने वाली ला, लाए नफियुल जिन्स का इसम, ये भी नसब की हालत में होगा। तो ये टोटल कितनी सूरतें बनी थी नसब की? 11 सूरतें बनी। किसको, सर? क्या वही, क्यों, कब,
कहां, किस हाल में, किसको पुकार रहे हैं, किस गोशे में, इन्ना का इसम, काना की खबर और पूरी जिंस की नफी। तो ग्यारह वला तल बिसुल हक का वला उसमें तो पेश आता है सर, वो वाला ला लाए नफी जिंस तो नहीं है ना, वो तो ला लो नहीं वाला ला है, ला तलबिसु तुम सब मत मिलाओ, वो फेल के साथ आ रहा है। यहाँ जो हम रफा नसब और जर की बात कर रहे हैं ये इसम की हो रही है, वो जो आप ला की मिसाल दे रहे हैं ला तलबिसु वो फेल है। ठीक है सर, सर थैंक यू सर, थैंक वेलकम जी। तो ये कुरान मजीद के पांच सफों में अब इसका हम करते हैं थोड़ा सा इजरावल के, ये तो हुआ है, ये वैसे नहीं होना चाहिए था। वाइद काला रब्बुका लिल मलाइकति, रब्बू क्विकली तेजी से करते हैं, रब्बू रफा की हालत में आ रहा है क्यों, फाइल है, फाइल है काला का, काला का फाइल है, लिल मलाइकति जर की हालत में है क्यों, हर्फ जर की वजह से, इन्नी जाइलुन रफा की हालत में क्यों, जाइलुन सर इन्ना की खबर है, इन्ना की खबर है, फिल अर्दी और खलीफतन नसब की हालत में, ये उमैया से गैर मुनसरिफ नहीं, ये गैर मुनसरिफ नहीं आएगा, इसको छोड़ दें आप, ये फिलहाल अभी हमारे इसमें शामिल नहीं था। قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, نصب کی حالت میں دماء آیا ہے کیوں, سر مفعول ہے, مفعول ہے, ونحن نسبح بحمدك, بحمد جر کی حالت میں کیوں, حرف جر کی وجہ سے, اور وعلم آدم نصب کی حالت ہے یا جر کی حالت, نصب کی حالت ہے, نصب ہے, जर क्यों नहीं है, जर भी तो आदमा ही होगा, ये यहाँ पे मफूल है ना, मफूल है, अल्लाह मां फाइल का वो बन रहा है, जर क्यों नहीं है, जर की कितनी वजूहात पड़ी है हमने, अंबिया का जर या से पहले दो जर नहीं है, हर पे जर के साथ भी नहीं आता, नसब है, नबी नबी, अब आ गया नसब, नसब में ये कौन सी सूरत बन रही है, ये मफूल बन रहा है, अंबिया का अल अस्मा। अच्छा अगर आप लोग क्लास के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कोई और आपकी बातचीत चल रही है, तो काइंडली अपने माइक्स म्यूट रखिए प्लीज, आगे डिस्टरबेंस ना हो। अल अस्मा नसब की हालत में है क्यों, ये भी मफूल है जी, बाज़ोकात देखें अल्लामा उसने सिखाया, किसको सिखाया और क्या सिखाया, ये दोनों मफूल आएंगे, किसको सिखाया आदमा, क्या सिखाया अलस्मा, तो किसको का जवाब या क्या का जवाब, ये दोनों ही नसब की हालत में होंगे, तो बाज़ औक़ात एक फेल के दो मफूल भी आ सकते हैं, अलल मलाइका के साथ नहीं है बी बी अस्माई, ये उसका नहीं होगा यहाँ पर, अच्छा, तो नहीं है, ऊपर वाला ऊपर वाले की बात है, अलल मलाइकती जर की हालत में, अला हर्फ जर की वजह से, अस्माई यहाँ जर की हालत है बा की वजह से, सादिकीना नसब अला है, इन्ना के नसब काना का ये क्या बनेगा फिर, खबर बनेगी, काना फेल तो है लेकिन इस फेल का फाइल मफूल नहीं होता, बल्कि इसको कहते हैं काना का इसम और काना की खबर। قالوا سبحانك لا علم لنا, तो لا علم में ये नसब क्यों आ रहा है, ये लाए नफी जिंस वाला ला है, उसका इसम नसब की हालत में आ रहा है। इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमु अल हकीमु, ये दोनों रफा की हालत में है क्यों,
इन्ना का इस इन्ना का इन्ना की वजह से इन्ना का इसम अंता है और अलीमुल हकीम दो खबर बन गई है दो इन्ना की खबर इन्ना का इसम क्या है अंता अंता नहीं है इन्ना का इसम का है इन्ना का इसम का है अंता उसी दो खबरें हैं और दो खबरें अल अलीम और अल हकीम ये दो खबरें हैं बिल्कुल दुरुस्त अल भी है जी ये वो एक्सेप्शनल बात आ गई ना कि आमतौर पर तो बगैर अल के होगी लेकिन कभी आ सकती है सर ये दोबारा रिपीट कीजिएगा इन्ना का अंतल अलीम हकीम का दोबारा इसके बारे में हम कहेंगे कि इन्ना का इसम है का इन्ना का इसम का जमीर है और अंत जो है ये उसी का को मजीद जो है वो ताकीद के लिए आई है तू ही वाला जो कॉन्सेप्ट आया है ना वो अंता के दोबारा लाने की वजह से आया है और इसकी एक वजह और भी है कि यहाँ हमने चूंकि खबर आगे ला रहे हैं मारिफा अल अलीमु और अल हकीमु तो इन्ना कल अलीमु अल हकीम थोड़ा सा मुनासिब नहीं था इसलिए बीच में अंता के साथ थोड़ा सा फासला दे दिया तो अब जो है वो अल अलीमु और अल हकीमु यानी मारिफा खबर आ गई है तो बेसिकली इन्ना का इसम जो है वो काफ होगा ये जो काफ जमीर है खिताब वाली और इन्ना की खबर होगी अल अलीमु और अल हकीमु दो खबरें हो जाएंगी खबर वन और खबर टू और अंता के बारे में हम सिंपली कह देंगे कि ये सिर्फ ताकीद के लिए है फाइल ताकीद के लिए मजीद ताकीद सर ये खबर नसब की हालत में नहीं होती किसकी इन्ना की खबर किस हालत में होती है नसब की हालत में होता है खबर रफा इन्ना का इसम नसब की हालत में है और इन्ना की खबर रफा की हालत में होती है और का के बारे में तो अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले कि जितने भी प्रोनाउंस और जमीरे हैं वो सब के सब क्या हैं मबनी होने से क्या मुराद है कि उनकी हालत तो चेंज होगी यानी हम ये तो कहेंगे कि ये का जमीर यहाँ पे नसब की हालत में है लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इसका नसब जबर के साथ नजर आ रहा है बल्कि बस ये नसब की हालत में है दैट्स इट हम अगली बात नहीं करेंगे कि इसके ऊपर नसब की हालत होने की फिर हमें क्या उसकी पहचान क्या नजर आ रही है अलामत क्या नजर आ रही है क्योंकि अगर हम इस यहाँ पर तो नसब की हालत है और नसब की अलामत में हमने जबर पड़ी हुई है अगर हम इसको कह देंगे कि यहाँ का नसब की वजह से आ रहा है तो फिर जहां पर ये रब्बू का में का होगा और वह जर की हालत होगी तो फिर उधर परेशानी हो जाएगी तो इसलिए ये हमेशा इसने ऐसे ही रहना है इसलिए हम सिंपली इसको कह देंगे कि ये नसब की हालत में है लेकिन ये मबनी है इसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ सकती हमें ठीक है जी अल अलीम अल हकीम हो गया बी अस्माइहिम बी अस्माई फिर से वही बाहर पे जर की वजह से दो मरतबा आया आलम गईबा गईबा नसब की हालत में क्यों आ रहा है आलम के लिए मफूल है गईबा और असमावाती ये नसब है या जर है कि जर है सर और ये तलक वाली जोड़ी है असमावाती नसब है या जर है जर है सर ये ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा बन रहा है ना जोड़ी का दूसरा इसम बन रहा है और अल अर्द जो है वो भी जर की हालत में है वाव की वजह से असमावाती की जो हालत थी अल अर्द की भी हालत हो रही है وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ لام حرف جر کی وجہ سے ملائکتی جر کی حالت میں آیا لِآدَمَا تو یہاں آدَمَا جر کی حالت ہے اور ہمیں کیسے پتہ چل رہے کہ یہ جر کی حالت ہے لی کی وجہ سے لی کی وجہ سے تو یہاں جر کی علامت کیا ہے ویسے تو مطلب وہ یعنی اس کے اوپر تو زبر ہے لیکن وہ لی کے اس میں زبر ہی کہیں گے زبر ہے हम कहेंगे यहाँ पर जर की अलामत के तौर पर जबर लगी हुई है जी पता ही कहीं ठीक है जैसे हमने रफा में मुख्तलिफ अलामतें पढ़ी थी ना कि रफा की अलामत पेश भी हो सकती है रफा की अलामत वाव भी हो सकती है रफा की अलामत अलिफ भी हो सकती है अलिफ हो सकती है
तो इसी तरह जर की अलामतों में जेर भी हो सकती है, जबर भी जर की अलामत हो सकती है गैर मुनसरिफ में जब आएंगे हम, तो वहां पर सर लिल मलाइकाते ते की जेर है ना सर, सर हम आदमा पर हैं, लिल मलाइकाते गुजर चुका है। अच्छा आदमा, ठीक है सर, चल ठीक ठीक आदमा, वो नबी नबी होने की वजह से जेर नहीं आती ना उसमें। हाँ जी, उस पे जेर नहीं आती, तो यहाँ जर की हालत में भी जबर ही आ रही है। इल्ला इब्लीस ये एक खास कायदा है, स्पेशल है, इसको हम डिटेल में आगे चल के कहीं किसी सिक्स में देखेंगे। वकाना मिन अल काफिरीना, अल काफिरीना यहाँ पर क्या है, नसब है या जर? जर नहीं सर, ये नसब है, काना की नसब है। नहीं मिन भी तो जर है सर, जर मिन। हमारी बात हुई थी कि जब भी कोई लफ्ज आ रहा है तो उसको करीब तरीन से जोड़ेंगे, तो काना करीब है या मिन करीब है? मिन से जोड़ेंगे सर, काफिरून तो नहीं, काफिरीन है, ठीक है, जा रही है, जा रहा है, ठीक हो गया। या आदम उसको अंता व ज़ौजुका वकाना मिन, कंफ्यूजन है कोई सर? काना मिनल काफी, काना की खबर नहीं बनती है इसमें, खबर इसम खबर बनेगी ना, ये मिनल काफिरीन जार मजरूर की जोड़ी पूरी खबर बन जाएगी, पूरी पूरी खबर, ठीक, पूरी जोड़ी खबर बन जाएगी। अच्छा लेकिन सर बात है, आप कहते थे पहले कम एक होता था दूसरी जोड़ी बन जाती थी, इधर नसब दूसरी जोड़ी नहीं बनी, लुको कैसे? नॉर्मली हम पहले पढ़ते थे ना, दो लफ्ज आते थे तो अगर एक नसब था तो दूसरा भी नसब हो जाता था ना, अगर नसब बन रहा है तो, ठीक है, इन्ना का, लेकिन यहाँ काना का दूसरा लफ्ज जो मन, लेकिन हाँ यहाँ तो वो है ही, हर्फ है, हर्फ पर तो कोई चेंज आएगा ही नहीं ना, मिन को तो आप मिनू मीना मीनी नहीं पढ़ते ना, वो तो बस मिन मिन है, इसम चेंज, इसम में जो है ना वो तब्दीली आएगी, यहाँ पर तो इसम, इसम है, हाँ, इसम दो इसम आए, दो इसम आए, वो सही है। तो यहाँ चूंकि मिन आ रहा है, मिन हर्फ जर, तो इस पर कोई हम मिन पर तो कोई चेंज ला नहीं सकते, और मिन खुद ये करता है कि बाद वाले इसम को जर की हालत में कर देता है। ये जार और मजरूर की जोड़ी, हम कहेंगे काना का इसम हो गया, काना के अंदर छुपा हुआ हुआ, और मिनल का फिरीना ये जार मजरूर की जोड़ी काना की खबर बन गई, जार मजरूर है, जार मजरूर, ठीक है जी। उसकुन अंता व ज़ौजुका, तो ये उसकुन के लिए फाइल के तौर पर आ रहा है, अंता व ज़ौजुका तो रफा की हालत है, अल जन्नता मफूल है नसब की हालत, वकुला मिन्हा रगदन, ये रगदन जो है ये भी नसब की हालत है, ये वैसे क्यों है रगदन नसब की हालत में? गोशा है, बिल्कुल माशाल्लाह, गोशा है ये, वकुला मिन्हा रगदन, तुम लोग खाओ उसमें से, क्या खाओ, कैसे खाओ, रगदन जी भर के खाओ, हादी शजरता वला तक्रबा, हादी शजरता नसब की हालत है, तक्रबा के लिए मफूल बन रहा है, यस, फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन, मिन हर्फ जर की वजह से ज़ालिमीन जर की हालत, तो ये बाकी हम छोड़ देते हैं, इसको आप जो है ना अपने तौर पर प्रैक्टिस कीजिए, ये सारी प्रैक्टिस ही है आपकी, ठीक है। ये प्रैक्टिस तो करवाइए थोड़ी सी, अब इसको बाकी प्रैक्टिस जो है वो आपके बुक में भी दी गई है, और उसके साथ साथ आपने जो कोर्स टू से आयात पढ़ी है उन सब पर प्रैक्टिस करके रखिए, ये रफा नसब जर की वजह पहचाने इसी तरीके से, और फिर हम अगले हफ्ते जब रिवीजन के लिए आएंगे तो हमारा इंशाल्लाह काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पुख्ता हो चुके होंगे, ठीक है जी। तो इसके साथ दीजिए इजाजत जी, कोई क्वेश्चन जी, गुलाम मुर्तजा साहब, सर ये अल अल का दो किस्में होती है, एक तो मारफा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बगैर मारफा के भी अल हो सकता है, अल अर्ज नहीं, मारफा तो अल जब भी किसी इसम के शुरू में आएगा तो वो मारफा बन जाएगा। अच्छा अच्छा, लिल अल मलाइका, अल मलाइकाते, तो मलाइकाते, ठीक ठीक है, बाकी अल के मफहूम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अल जब भी किसी इसम के शुरू में आएगा उसे मारफा जरूर बनाएगा। अच्छा हाजिर किताब।
ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर, ये गुजारिश थी एक, ये यूसुफ 6 जो है जो तो सर सूरह बकरा जारी रहेगी आखिर तक, ठीक है। अच्छा, यूसुफ 7 जो है वो सर ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका भी बैच 2 हो जाए, तो जो सुना है कि जहां वो पहले जा चुके होंगे बहुत अरसा पहले वाले, जिसने 7 शुरू किया साथ मिलते गए तो वो बहुत आगे चले गए, अगर उसका भी बैच 2 शुरू कर दिया जाए तो उसे सूरह आल इमरान से शुरू हो जाए तो हमारी कंटिन्यूटी हो जाएगी सर। सर चाहता मैं भी यही हूँ, आप भी यही चाहते हैं, मसला सिर्फ ये है कि दिन सिर्फ हफ्ते में 7 हैं, तो मसला ये होगा कि एक QC 7 चल रहा है तो दूसरा दिन कौन सा लेंगे हम फिर QC 7 के लिए, फिर अगर एक दिन में 2 करें तो 2 टीचर्स चाहिए, अभी 2 हो जाएंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह QC 5 होगा तो फिर वो भी कहेंगे कि हमें एक नया शुरू करवाएं, तो ये थोड़ा सा काम बढ़ता चला जाएगा। बहरहाल आपकी राय नोट कर ली है, तो इसको डिस्कस करेंगे, अभी तो हमारी रिविजन बाकी है, फाइनल क्विज बाकी है, रिवीजन और फाइनल क्विज के बाद QC 6 बाकी है, इवन QC 6 जब कंप्लीट हो जाएगा, QC 6 जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि अब हमने उनके साथ मर्ज होना है या नया बैच शुरू करना, अभी के लिए आप तसल्ली QC 6 तो कंप्लीट। बहुत शुक्रिया सर, उसमें यही गुजारिश थी कि अगर कोई चांस बन जाए इवन के जो अभी हमारे से पहले निकलेंगे वो भी चल जाए, उनके साथ हम अटैच हो जाए तो हम करीब करीब होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा लंबा वक्फा नहीं होगा। QC 6 में तो आपके साथ 2 बैचेस और शामिल होने वाले हैं, दोनों वो मुकम्मल कर चुके हैं QC 5, तो इंतजार में है वो आप लोगों की, आप लोग मुकम्मल करें तो फिर 6 शुरू करें। सिक्स का आप लोगों का बैच नंबर ये होगा 2 चल रहा है, आपका तीसरा बैच होगा 6 का। बहुत शुक्रिया सर, ये जो आप कह रहे थे कि कुछ टाइम है और रिक्वेस्ट है ये कि आगे हो सकता है कुछ फाइनल क्विज, आई थिंक मेरे ख्याल में हम 2 रिवीजन के सेशंस कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक भी रिवीजन करें और फिर उससे नेक्स्ट वीक भी रिवीजन करें, बहुत बेहतर करें ताकि हमें तैयारी का टाइम मिल जाए, इनको ज्यादा टाइम चाहिए रिवीजन के लिए। हम इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कर लेंगे और सैंपल क्विज जो है वो कर लेंगे, उससे कॉन्सेप्ट्स ताकि हमारे पुख्ता हो जाएं और फिर हमें QC 6 में जाकर इन चीजों पर दोबारा से मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि होता ये है कि यहाँ चीजें कमजोर रह जाएं तो फिर QC 6 में जाकर जब इन्हीं को दोबारा हम रिवाइज कर रहे होते हैं तो इधर की कमजोरी की वजह से हम QC 6 में जहाँ पर हमने इन चीजों से तेजी से गुजरना होता है वो QC 5 तक सही पुख्ता ना होने की वजह से QC 6 में उनको दोबारा से पढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से टाइम लग जाता है। तर ऐसे भी हो सकता है कि हम QC 6 के साथ दोबारा QC 5 भी ज्वाइन कर लें रिवीजन के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जारी रखिए, उसका तो बहुत फायदा होना है आपको। तो फिर इसका मतलब अगर आप जी फाइनल कौन सी तारीख को, पहली दूसरी का कौन सी तारीख को? सेकंड मैं फाइनल की क्विज आपको, फाइनल क्विज की डेट आपको बताता हूं सर, ये बनेगा 27th आई थिंक, फाइनल क्विज बन जाएगा आपका 30th दिसंबर बन जाएगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह। नहीं अगर वो किसी वजह से तो फिर मैं उस पर ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे लिए तो पॉसिबल। सर कौन सी डेट बताई है क्विज की आप? न्यू ईयर 30th जी, तो 30th है सर। शमीम साहब अगर आप उस वक्त मौजूद ना हो तो आप बता दीजिएगा, आपको अडे पहले तो नहीं, बाद में कर लेंगे जब आप अवेलेबल हो। मैं फॉलोइंग वीक अवेलेबल होऊंगा, मैं डेफिनेटली इन 2 हफ्तों में बिल्कुल अवेलेबल हो ही नहीं, सो दैट्स ऑलराइट, वी विल वर्क समथिंग आउट, नॉट अ प्रॉब्लम। आप बता दीजिएगा आपके अवेलेबिलिटी के मुताबिक, मैं आपको भेज दूंगा क्विज इंशाल्लाह। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? शुड बी क्लोज नाउ।
अल्हम्दुलिल्लाह कहना था कि हमारा आज पहला पारा कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक बात भी है। अल्लाह ताला इसी तरह हमें आगे भी साथ साथ रखे और हम पढ़ते रहें, हम सीखते रहें, हमारे पढ़ने को सीखने को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। सबसे पहले आप सबसे दरख्वास्त है दुआओं में याद रखा करें अपने साथियों को, अपने अजीज व अकारिब को, हम में से जो बीमार हैं अल्लाह उनकी बीमारियां दूर फरमाए, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमाए, और हर इंसान यकीनन जो है वो कुछ ना कुछ अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह ताला हर इंसान को अल्लाह ताला अपनी खास रहम और फजल करम से अपनी नेमतें अता फरमाए। हम सबको कुरान की निस्बत से हम इकट्ठे हैं, तो हमें कुरान की निस्बत से इकट्ठा रखे और क़यामत के दिन हमें इसी निस्बत से उठाए। दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाहु व बिहमदिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته